अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब आज हम कहाँ हैं? आज हम हैं पार्क टावर्स कराची पे। हमने स्पेशली मॉल खुलवाया है ताकि मुझे कोई देख ना सके यहाँ, क्योंकि ये माइयों की दुल्हन है जिनको मैं यहाँ लेकर आई हूँ। और इनको कब लेकर आया जाता है? तब जब शॉपिंग सही नहीं हुई होती, जब समझ नहीं आ रहा होता कि शादी पे जो जो चीज़ें आपने ससुराल लेके जानी है, जो आपने नए नए दावतें अटेंड करनी है, उसमें तैयारियाँ करनी है, वो सही कैसे हों? अगर हमारा वज़न ज़्यादा है, अगर हम मोटी हैं, तो क्या हमारे ऊपर सूट करेगा? ये इनको समझ नहीं आया, तो ये मेरे पास आई थी। अगर हमें इनका रंग थोड़ा सा कम है, कौन सा रंग इन पे जचेगा, कौन सी चीज़ें इन पे जचेंगी कि नहीं, तो ये इन्हें समझ नहीं आ रहा, तो मैं आई, मेरे पास आई ये। और ये जो बहुत ही छोटी सी, जिनकी शादी की उम्र नहीं, अम्मा अब्बा ज़बरदस्ती लगता है शादी कर रहे हैं, और ये ज़िंदगी भर छोटी ही लगती रहेंगी, क्योंकि वो जिनकी हाइट छोटी होती है ना, वो कभी एज के बड़े नहीं लगते। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, पता है तुम्हें हाइट छोटी होने का। तो इनको क्या करना है, इनको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, इनको किस तरह की ज्वेलरी पहननी है, किस तरह के जूते, किस तरह के बैग्स कैरी करने, ये सारी बातें आज हमने इनसे, हमें इन्हें बतानी है, इन्हें शॉपिंग करानी है पार्क टावर्स से। हमने ख़ास तौर पे सारी शॉप्स इनकी वजह से खुलवाई हैं, ताकि ज़रा हम प्रॉपरली आराम से सब चीज़ें गाइड कर सकें, सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि आपको भी, कि अगर आप छोटी कद की हैं, आप थोड़ी सी बल्की हैं, आपका रंग थोड़ा सांवला है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत प्यारी लग सकती हैं, क्योंकि आप हैं प्यारी और ख़ास तौर पे अपने अम्मा अब्बा की फेवरेट है, और मेरी भी फेवरेट है, क्योंकि मैं हूँ आपकी मैके वाली। तो आइए हाथ निभाती हूँ और अपने एक्सपर्ट्स को बुलाती हूँ। यहाँ मैं बुलाना चाहूँगी किरण को, क्योंकि किरण खुद इतना अच्छा अपने आप को कैरी करती हैं, बहुत अच्छी उनकी चॉइस है, बड़ी मज़े की चीज़ें खरीदती हैं, चाहे वो महंगी हो सस्ती हो, उनको पता है कि उनको कैसे जेबतन करना है। आइए वेलकम करते हैं किरण को। इतने एंड टाइम पर ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। भाई इन लोगों ने साथ अल्लाह, ये लोग मेरे पास अलग अलग आई थी, ठीक है। मैंने कहा भाई मैंने एक प्लान करनी है, चीज प्लान करनी है, फिर मैं चलूंगी तुम लोगों के साथ। कभी बलाज बीमार हो जाए, कभी मैं बीमार हो जाऊँ, कभी मेरी छुट्टी हो जाए, कभी शो कुछ हो जाए। अभी तो दिन भी इतने नहीं है मेरा ख्याल से। कितने कितने दिन रह गए तुम लोगों की शादी? 7। तुम्हारे? 9 दिन। तुम्हारे? 4 दिन। टेंशन नहीं, शादी तो 4 दिन है। खैर है ना, हम रेडीमेड चीजें उठाएंगे। अच्छा यहाँ किरण तो मेरे साथ ही है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी जो दुनिया भर में घूमता रहता है, वो टिकता नहीं है वो कराची में, कभी वो लाहौर होता है, कभी वो रशिया होता है, कभी अमेरिका होता है, कभी हॉलैंड होता है। दुनिया भर का फैशन इस बंदे ने देखा हुआ है, कोई फैशन के कोर्सेज नहीं किए जाके कि अच्छा जी हाँ, मेकअप आर्टिस्ट तो कमाल का है, मगर स्टाइलिस्ट, उसको पता है कि किसको क्या पहनाना है, किसको क्या पहनना चाहिए, क्या किसमें कैसा अच्छा लगेगा। इसलिए हमने कहा कि आज हम उसको यहाँ बुलाते हैं और मेकअप से हट कर हम स्टाइलिंग की बात करते हैं। वो ज्यादा वक्त भी नहीं लगाता है सोचने में, वो तो ऐसे करता है, बताता है भाभी आप अगर मोटी आईब्रो बना लेंगी ना तो आप यंग लगेंगी, फलाना अच्छा आप यहाँ से मोटी हैं, अगर आप इतना बड़ा बैग ले लेंगी ना तो ये छुप जाएगा। तो ये चीजें मैंने आज बतानी है उसके जरिए। आइए वेलकम करते हैं द वन एंड ओनली मशहूर जमाना, जिनका सलोन भी अभी तारिक रोड पर डिफेंस में तो है ही, तारिक रोड पर भी खुलने वाला है और वहां से हम सब मेकअप कराने जाने वाले हैं, वाजिद खान। आप कैसे? बड़ा प्यार आपका जोड़ा है। जिंदगी में कभी वाजिद खान के साथ शॉपिंग नहीं की, आज पहली दफा। हाँ। यूजुअली लड़कों के साथ जाते नहीं है शॉपिंग पे, उनको घर छोड़ कर ही जाते हैं या फिर एज ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं दुल्हन है भी इसको अपने सैलून से इनको गिफ्ट कर दूँ, 4 दिन वाली को भी, 7 दिन वाली को, 9 दिन वाले को, दुल्हन भी मैं बना देता हूँ, कपड़े हम दिला रहे हैं। यार ये तुम लोगों की तो वो हो गई ना, कितने तुम लोग हजारों का फायदा हो गए। सुबह सुबह मॉल खुलवाना ये बहुत, और उन्होंने आपको करके आए हैं और आपने पूरा मॉल खुलवा दिया। बड़ी थैंकफुल है हम पार्क टावर्स के कि उन्होंने हमारे लिए स्पेशली सुबह सुबह मॉल खोला। तो आप अभी ना आ जाइएगा, मॉल कितने बजे? 11 बजे तक खुलता है। 10 कितने बजे खुलता है मॉल? 10 बजे है भाई, 10:30 बजे। सही बताया ना मैंने, 11 बजे मॉल खुलता है, कब आइएगा और फिर हम आपको चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम जाएंगे, बजट हम और इरके किरण बताओ इनकी क्या क्या
चीजें होनी चाहिए। हम बहुत स्किन केयर के हवाले से हम बात करेंगे, जो लड़कियों को पसीना बहुत आता है और हल्की सी स्मेल भी आ रही होती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मेकअप क्या होना चाहिए आपके पाउच में। और जो लड़कियां हम जो लोग देख रहे हैं और जो लड़कियां मेकअप नहीं खरीद पा रही होती हैं, तो उनकी दोस्तें मिलके उनको गाइडलाइन देना मेकअप की, कि अगर ये इन तीनों जैसी आप हैं या इसके अलावा भी, तो आप किस तरह मेकअप खरीद सकते हैं, कैसे कपड़े खरीदें, कौन से कलर्स खरीदें, या पर्सनल हाइजीन से लेकर पूरा आपका सैंडल्स, ये सारी चीजें हम आज आपको एक तरह से बताएंगे कि क्या आप खरीदें ताकि आपके पैसे जाया नहीं हो और वो इस्तेमाल में आए। बिल्कुल। तो वाजिद, किरण और निरा यासर तीनों मिलकर आज ना सिर्फ इन तीनों की हेल्प करेंगे बल्कि आपकी भी हेल्प करेंगे। अगर मैं आप दोनों एक्सपर्ट से पूछूं, जी पूछे, एक एक शॉपिंग टिप आप दोनों दें तो क्या आप कहेंगे? आप भी बहुत शॉपिंग करते हैं, आप भी? मैं तो ये कहूँगी कि कम सस्ती चीज में अगर आपको अच्छी चीज मिल जाती है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा घूमना पड़ता है, ये नहीं कि जाते साथ ही आप फौरन से खरीद लें, थोड़ा सा सर्वे करके। मुझे लगता है कि अगर आपको एक जगह से आपको एक चीज अच्छी मिल रही हो तो आप उठा लें, ना कि आप गुम जाएं चीजों में। हाँ, मुझे लगता है जो चीज जहाँ से मिला आप उसको उठा लें, फिर बाद में काश ना रहे हो, क्योंकि चीजें बिक भी जाती हैं समटाइम, अच्छी चीजें आराम से बिक जाती हैं, तो क्या होता है कि जो चीज आपको समझ में आए। जो आप ये बात कह रहे हैं ना, मैं इसकी टिप को आगे बढ़ाते हुए, आप बहुत चलाकी से खेलें, आप कहें मैं अभी 5 मिनट में आ रही हूँ, ये चीज आप अलग करके मेरे लिए रख दे, 5 मिनट आप पूरे मॉल का, मॉल में फायदा ये है शॉपिंग, 5 मिनट पूरे मॉल का जायजा लेके वहीं वापस आ जाए, फिर उनकी मैंने चीज रखवाई थी वो दे दे, मैंने ATM से पैसे निकाल लिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा ना आगे कोई और अच्छी चीज मिल गई। अगर आगे कोई और अच्छी चीज मिल गई और सस्ती चीज मिल गई या कोई सेल पे, आप उसको भूल जाएं, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा वो थोड़ी रखेगा। विंडो शॉपिंग करें पहले, इसीलिए मॉल बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको हर आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता, बाहर नहीं जाना पड़ता, और गर्मी होती है तो इसी में। आज तो हम मॉल में ही आ गए हैं तो आज सारी दुकानें खुल गई हैं। देखिए भाई, आज हम आपको क्या क्या गाइडलाइंस देने वाले, बड़ा इन्फॉर्मेटिव शो है, तो कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक छोटे से ब्रेक के बाद ना सिर्फ ये तीनों फायदा उठाएंगी, हम लोग भी, आप भी और हम भी। ये शॉपिंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी तीन दुल्हनें हैं, जो दुल्हनें बनने वाली हैं कुछ ही दिनों में, और बहुत ही प्यारी सी किरण है, और बहुत ही क्या प्यारा बोलूं, हैंडसम बोलूं, क्या बोलूं, हाँ, दुल्हन बनाने वाले, दुल्हन बहुत ही प्यारी दुल्हन बनाने वाले वाजिद खान हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे, बॉडी शॉप पे इस वक्त हम खड़े हैं। अक्सर हम ये सोच रहे होते हैं कि हम अपनी दोस्तों को, अपनी कजन्स को क्या गिफ्ट में दें, शोपीस ऐसे उठा के देते तो सड़े सड़े जो जगह भी नहीं होती घर में रखने। बिल्कुल, ये इतने महंगे महंगे शोपीस होते हैं। यहाँ आइए और यहाँ आप अपनी दोस्तों को, अपनी कजन्स को गिफ्ट देना है तो यहाँ से लीजिए, और इनके गिफ्ट पैक्स बने भी होते हैं टेम्पटिंग के, हमें भी कोई गिफ्ट, हम लोग यही, मुझे तो कोई गिफ्ट दे तो बस यहीं से दे देना, बड़े बड़े डब्बे उठा के। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इसलिए इनको लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को थोपना थापना, मेकअप, कपड़े, जूते, उनको लग रहा होता है ये असल शादी के बाद की शॉपिंग नहीं है। असल शादी के बाद की शॉपिंग क्या है, आप में से अच्छी खुशबूएं आ रही हो, पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है, बहुत ख्याल रखें। तो बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, यंग लड़कियों को, चाहे वो कितना ही सफाई का ख्याल रखे, अंडर आर्म्स में से स्मेल आती है। बिल्कुल, तो एक बहुत वाजिद हमें बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो दुल्हनों को बहुत केटर करते हैं। तो मेरा तो बस चल रहा है कि तो मैं दुल्हनों को सारी चीजों में से एक एक सेट बना के दे दूं, इतनी सारी चीजें, और ये सारी इतनी अच्छी चीजें हैं, सब यूजफुल है। जब सैलून पे दुल्हनें आती हैं तो इनका एक बटर क्रीम है, जो जैसे आपकी कोनियां ड्राई हो रही होती है, एड़ियां, हील ड्राई हो रही होती है, वो पूरी आप बॉडी पे लगाएं तो आप खुशबू अच्छी आ रही होती है। इधर पे एक क्रीम है, जैसे ये वाली क्रीम है, बहुत सारी लड़कियों को जैसे आम पेटल पसीना आ रहा होता है और ये परफ्यूम भी लगा लें फिर भी आ रहा होता है, तो अगर ये क्रीम लगा लें तो उससे, ये वाली क्रीम लगाएं, ये लगाएं तो उससे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये क्रीम लगा के फिर हम एंटीपर्स्पिरेंट या कोई लिक्विड बिल्कुल लगा सकते हैं, खुशबू भी है, ये देखिए खुशबू है ना, बहुत अच्छी है, गुलाब के फूलों जैसी खुशबू, बिल्कुल वही है, और दोनों के लिए परफेक्ट है ये, और ये पूरी बॉडी पे हम लगा सकते हैं। ये लगाने से जरा भाई साहब इधर आएंगे, आप माइक लेके इधर आए जरा, मैं बॉडी शॉप के जो है सेल्स पर्सन है उनसे पूछना चाहूंगी, आप भाई साहब इधर आ जाइए जरा, क्या जगह थोड़ी छोटी है यहाँ पे, तो हाँ, ये जो है कितनी देर तक इसकी खुशबू बरकरार रहती है?
इसकी खुशबू बेसिकली 6 hours to 7 hours तक रहती है। 6 hours to 7 hours तक ये लगाने के बाद अगर ऊपर परफ्यूम लगा ले तो कोई मिस्ट लगा ले तो और वो लास्ट करती है। और ये बॉडी के लिए, ये बॉडी के लिए, ये अंडर आर्म्स के लिए होगी कि खुशबू का, और ये बॉडी के लिए कि ये कोहनिया बॉडी पे लगा सकते हैं, ये भी लगा है तो दोनों बॉडी पे लगाएं तो उसकी इसकी खुशबू ज्यादा लास्ट करती है। और अगर फिर ये परफ्यूम लगा के परफ्यूम लगा ले तो वो तो फिर और लॉन्ग लास्टिंग होगी, 6 घंटे से भी ज्यादा। मतलब ये एक टेक्निक है, 9 hours तक हो जाती है ना। बिल्कुल, क्या कह रहे हो, कोई टेक्निक है ना कि आपने स्किन को पहले क्रीम से थोड़ा सा मॉइस्चराइज किया, फिर उसके बाद आप कोई भी स्प्रे या परफ्यूम ऑयल टाइप चीज लगा ले तो लॉन्ग लास्टिंग देर तक रहती है वो। अक्सर आपके साथ में कुछ ऐसे लोग खवातीन खड़ी होती हैं जिनमें से बहुत खुशबुओं की महक आती है, आप सोच रहे होते हैं आप कौन सा परफ्यूम लगाया, ये मेरा वो ये होता है टेक्निक, वो ये क्रीम वगैरह कुछ खुशबू वाली क्रीम लगाने के बाद फिर परफ्यूम लगाती है। अच्छा, आप अगर देखिए लड़कियों की स्किन टाइप आप देख रहे हैं, इनका रंग थोड़ा सा सांवला है, ठीक है ना, आप इनके लिए कोई बताएं हमें कि बॉडी शॉप पे जिनका रंग सांवला है उनके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं कि वो शादी से पहले भी शुरू कर सकते हैं और शादी के बाद भी जरा। अच्छा, लेकिन ये ट्रीटमेंट्स वगैरह तो इससे रंग का तो कोई ताल्लुक नहीं होगा, नहीं, विटामिन सी आई एस मुझे जो अच्छा? लगता है कि मैंने खुद यूज भी किया, स्किन टाइप होगा शायद कि ऑयली हो या ड्राई हो, उस तरह विटामिन सी से आपका सबको पता है कि स्किन जो है रंग साफ होता है, स्किन आपकी फ्रेश होने लगती है, वो जो आपको जिसको रंग इम्प्रूव करना है वो रेंज आप विटामिन सी वाली बताते हो। विटामिन सी रेकमेंड करते हैं, इसके अलावा ड्रॉप्स ऑफ लाइट यूज करते हैं, दिखाएंगे आपको, ये कोई नया कोई ड्रॉप्स ऑफ लाइट है जो कि टू टोन एनिमल्स उठा के इधर दिखाए ताकि हम कैमरे में दिखा सके, ये दिखाए, ये क्या है ड्रॉप्स ऑफ लाइट, ये टू टोन एनिमल स्किन के लिए थोड़ा सा पीछे और पिगमेंटेशन के लिए है। अच्छा, तो जिसको और ये फेस का है, फेस का है, ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये फेस वॉश है बेसिकली, एवरी डे फेस वॉश है। अच्छा, मतलब एक फेस वॉश तो जरूर ऐसा होना चाहिए, तो इसमें और भी रेंज हो गया, कंप्लीट रेंज है, लिक्विड पील है, अच्छा लिक्विड क्रीम्स है, सीरम है। अच्छा, आप थोड़ा सा पीछे हो, मैं दिखाती हूँ जरा। अच्छा, आपने मुझे बताया, वहाँ से आप बताते रहिएगा, ठीक है, हाँ, आपने क्या बताया, लिक्विड पील है, लिक्विड पील हो गया, ये लिक्विड पील है, ये लिक्विड पील किस तरह इस्तेमाल होगा, ये डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करके इसे स्क्रब करना होता है, अच्छा, तो ये आपकी एक्सफोलिएटर टाइप, जी हां, द डस्ट इंप्यूरिटीज सारी गेन कर ले, ठीक है, और फिर क्या है, फिर क्या करेंगे, देन फेस वॉश है, एसेंस टोनर, फेस वॉश वो जो आपने अभी दिखाया ये रहा फेस वॉश, ठीक है। अच्छा, आप क्या है, एसेंस टोनर है, टोनर चीजें होती है सिर्फ एक, एंड देन क्रीम है, टोनर की जरूरत आम लड़की को तो नहीं होती है, हाँ, क्योंकि इतनी डस्ट है, इतनी गर्द है, उसकी वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, गर्मी की वजह से, ये दुल्हनों को खरीदने की जरूरत भी नहीं है, जो दुल्हनों की दोस्तें होती हैं वो वो गिफ्ट दें उनको, वो पूरा पैक बना के दुल्हन की दोस्तें ये दें, उसमें क्रीम, बटर क्रीम डालें, परफ्यूम डालें, ये सारी चीजें दुल्हन की दोस्तों को देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर आ गए हम जैसे इन नहीं छोटे ऑयली स्किन, पूछो किसकी है ऑयली स्किन, ऑयली स्किन के लिए क्या चीज यूज करनी चाहिए, कौन सी रेंज है आप ऑयली स्किन के लिए, टी ट्री है, टी ट्री ऊपर ये सबसे जी, बहुत ऑयली स्किन है, बहुत ऑयल आता है, बहुत ऑयली टू एक्नी स्किन के लिए, क्योंकि बहुत ऑयली स्किन को एक्नी होगा, अच्छा, यो इसके लिए एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल, कैसे लगाते हैं इसको, क्या करते हैं, इसमें क्या क्या रेंज है आपके पास, फेस वॉश है, बेसिकली चीजें जो है वो फेस वॉश है, इसका जो के डे मॉइस्चराइजर है और इसका टी ट्री ऑयल है, ये इसकी तीन मेन चीजें हैं। तो टी ट्री ऑयल तो बहुत सारे बालों के लिए भी होता है, सारी चीजों के लिए, तो आप हर जगह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मल्टीपर्पज है टी ट्री ऑयल। अच्छा, आप किसी लड़की की स्किन इंतहा से ज्यादा ड्राई है कि क्रैक्स अभी से पढ़ना शुरू हो गए, यहाँ लाफ लाइंस पढ़ना शुरू हो गए, झुरियां आना शुरू हो गई, अभी तो शादी भी नहीं हुई है मगर वो ड्राइनेस की वजह से, उसके लिए क्या आप रेकमेंड करते हैं, एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए एलोवेरा रेकमेंड करते हैं, एलोवेरा ये ऐसी चिकनी भी होती है क्रीम ना, बिल्कुल ज्यादा ये वाली एलोवेरा, ये बिल्कुल ये है, और ये वाली जो है ये क्या है इसका, फेशियल वॉश है, क्लींजर है, फोमिंग वॉश, मैं ये वाला यूज करती हूं, हाँ, ड्राई है, मेरी ड्राई मेकअप कर करके हो जाती है, और पानी कितना पीती हूं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ड्राई है। अच्छा, ये वो है मॉइस्चराइजर, ये क्लींजर है मेकअप उतारने के लिए, या मेकअप भी रिमूव हो जाता है, यानी मैं खोल के दिखा सकती हूँ, ड्राई है ना ये, मतलब इस तरह आएगा कि फोम की तरह निकले, ये ठीक है, अब तुम मुंह धो लो, अब मैं मुंह धो लूंगी तो बस हो गया काम। अच्छा, तो ये तो हमारा कवर हो गया, और क्या चीजें हैं अगर है, एक चीज बड़ी अच्छी है बॉडी शॉप पे जो मैंने आप लोगों को दिखानी है, और वो है स्टेनर, स्टेनर्स का ऐसे तो कई सारी चीजें हैं यहाँ, अच्छी अच्छी दिख रहा है,
दे दे मुझे जरा लाके स्टेनर में, यहीं से कैमरा यहीं है ना, पर मैं यहीं। और अच्छा भाभी क्या होता है कि मैं भी उस बात बता रहा था जो हम आम पेट की बात कर रहे थे, क्या होता है जब सैलून पे भी बहुत सारी लड़कियां जो काम कर रही होती है, बच्चियों को नहीं पता होता है कि आप दुल्हन के इतना करीब जाके मेकअप कर रहे होते तो आपके आम पेट से स्मेल आ रही होती है। तो क्या है कि अगर कुछ लोगों की इतनी स्ट्रांग होती है कि आप परफ्यूम लगा लें, क्रीम लगा लें, उससे भी नहीं जाती है, तो आपने क्या करना है, जब पूरा आप नहा रहे होते हैं तो फिटकरी होती है, फिटकरी को आपने पानी में डिप करके सिर्फ आम पेट में इस तरीके से अप्लाई करना है, जितना पसीना आएगा आपके पास से स्मेल नहीं आएगी, जितना भी पसीना आएगा आपके पास से स्मेल नहीं आएगी, उसके ऊपर आप ड्यूडन लगाएं, परफ्यूम लगाएं, जो भी लगाना है। दूसरी टिप ये, मैं तो ज्यादातर क्या इतर ही इस्तेमाल करती हूं, इतर इस्तेमाल करके थोड़ा सा आप लगा लें अंडर आर्म्स पे, आपको आराम से पूरा दिन। अच्छा आप ये बता सकते हैं बॉडी के कुछ पार्ट्स काले हो जाते हैं तो उनको सही करने के लिए कोई आपके पास ट्रीटमेंट है, कोई ऐसी क्रीम्स हैं? बिल्कुल है, स्क्रब्स हम रेकमेंड करते हैं। दिखाएंगे कौन से स्पा के हैं? स्पा के स्क्रब्स हैं जो कि जिसको जिसके मसाज करने के इनके स्क्रब्स बहुत अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, हम बहुत जो हम चीजें बता रहे हैं उसको फॉलो करें तो आहिस्ता वो चीजें आपके इंप्रूव हो जाती हैं। जो है जिनको कहते हैं ना कि हम घरदारी का भी बताते हैं, सब डेड सी सॉल्ट। अच्छा ये स्क्रब है, ये कब इस्तेमाल करें, लाइक शावर लेने से पहले इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, शावर लेने से पहले। कितनी देर लगा के छोड़ें? इसे लगा के छोड़नी, इसको आपने स्क्रबिंग करना है। आपकी कोहनियाँ काली हैं, आपके आम पिट्स काले, आप बॉडी का कोई भी पार्ट है, घुटने जो भी काले हो गए, नकल्स काले हो गए, बॉडी। अच्छा बॉडी के लिए है। अच्छा अब ये भी हमने आपको बता दिया, अब लड़कियां जब शादी होके घर जाती है ना, ठीक है, तो हर वक्त तो बेस थोपे नहीं रहती, नहीं। हर वक्त तो ब्लश ऑन और लिपस्टिक नहीं लगाई रखती, तो ये चीज पर्स में होनी चाहिए। ये बड़ी क्या चीज है ये मेरे हाथ में तुमने? यार ये स्टेनर है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये है क्या लिपस्टिक है? बताओ ना। ये स्टेनर है और जो लड़कियां चाहती हैं उनका नेचुरल एक टेंडेंसी आ जाती है। मैं चाहती हूँ। हाँ, ये नेचुरल टेंडेंसी आ जाती है और क्या होता है ये लगा ले तो क्या होता है कि आपकी नेचुरल स्किन पिंक हो जाती है और ये लगता नहीं है। ये लग गया और ये देखो कैसे गुलाबी हो गया, ये जगह ऐसे लगता है कि जैसे मेरी नेचुरल है। ये लॉन्ग लास्टिंग है जब तक आप फेस वॉश नहीं करते। ये चीक पे लगा सकते हैं, हल्का सा आंखों पे लगा लिया, आंखों के नीचे लगा लिया, नाक पे लगा लिया, हल्का हल्का सा पूरे कहाँ कहाँ लगाएं तो लड़कियां फ्रेश रहेंगी। नाक हल्का सा ये लिया आपने, मैं लगाऊं हल्का सा? लगा लगा लो। और लड़के भी लगा सकते हैं, लड़के लगा सकते हैं, फिर जो लड़के कॉन्शियस हैं दूल्हा लगा सकते हैं, और हल्का हल्का सा यूं लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यूं कर लिया। लगाओ ना, क्या है? नहीं बहुत सारा नहीं लगा, पूरे नाक पे नहीं, मैंने सिर्फ ये टिप पे। तो क्या होता है इससे बहुत फ्रेश लुक आ जाती है, और यही हल्का सा आंखों के ऊपर लगा ले तो ऐसा लगता है आपने शैडो लगाया है। ब्लशन की तरह लगा सकते हैं, यहाँ चीक्स पे, चीक्स पे लगा सकते हैं, लिप्स पे लगा सकते हैं, नाक के ऊपर लगा सकते हैं, हल्का सा आंखों पे लगा सकते हैं, तो आपका टोटल पूरा मेकअप हो गया फ्रेश, ऐसा लगता है मुंह धो के निकले हैं। बॉडी जबरदस्त है, ये तो आप हर कोई यही पे लगाते हैं। भाई अब आजकल पॉल्यूशन इतनी कि कोई इतना लाल मटोल नहीं लग सकता, जो सारे गोरे गोरे लोग जो सारे लाल आपको नजर आते हैं ना, वो ये सब चीज आप भी लगा सकती हैं। और इसमें ये नहीं है कि सामने लड़कियां नहीं लगा सकती, सामने लड़कियां भी लगा सब लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। देखें बेस के ऊपर ये नहीं लगता, बेस के ऊपर नहीं, मुंह धुला हुआ होगा फिर लगेगा। बिल्कुल ये आपकी वो वाली, जब आप शावर लेके निकली है तो आप एकदम पेल हुई भी होती है ना, बिल्कुल जाहिर है, अब्बा को छोड़ के आई होती, दुख होता है, तो उसके लिए फ्रेश। और ये बासुमती लगती है ना, निकलने से पहले उसके बाद बेस लगाएं, क्या करें? अगर बेस के साथ हमें ऐसी लुक चाहिए, बेस के साथ ऐसी लुक चाहिए, तभी वो मेकअप हम बताएंगे कि आपको क्या मेकअप अपने साथ कैरी करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर क्लीन स्किन पे लगाने का। कोई और आपकी ऐसी प्रोडक्ट यूनिक है, जैसे ये स्टेनर है कोई, जो आप जिसके बारे में बताना चाहेंगे? आप इधर आ जाए ना, आपका अजीब मुंह आएगा नहीं तो कैमरे के आगे। हाँ सीसी क्रीम एंड बीबी क्रीम्स हमारी बेस्ट हैं, वो दिखाएं। हाँ सीसी क्रीम और बीबी क्रीम, ये ताकि सब लड़कियों को पता हो ना, ये स्पेशली फॉर उनके लिए जो कैजुअली मेकअप करती हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना, ये जस्ट अप्लाई किया, क्विक मेकअप आपने लगाया लगाया। हाँ क्या नाम है जी, किस तरह का है ये, मतलब क्या इसमें कलर टोन्स हैं आपके पास? 3 टोन्स हैं, मीडियम, लाइट एंड डार्क। अच्छा अच्छा, अब ये कौन सी वाली टोन है? ये मीडियम टोन है। ये मीडियम किस रंग की लड़की के लिए होगी वाजिद? और क्या है कि अगर इसको बहुत ज्यादा, अगर ये बहुत ज्यादा आ रही है तो इसको रब करने की जगह टैप करें। अच्छा, तो क्या होता है कि स्किन में, हाथ से स्किन में आपकी ये तुम्हारे लिए पेनिट्रेट हो जाती है। ये कौन सी, ये वाला शेड कौन सी लड़की के लिए होगा?
ये मीडियम टोन, हाँ ये किरण लगा सकती है, ये जैसे इसकी बच्ची के बताओ जैसे अगर ये डार्क है तो कौन सी आपका शेड है? ये वाला मीडियम टोन के लिए यही है, ये इनके लिए जाएगा, ये इनके लिए जाएगा, बट इनके लिए ये लगाएंगे तो थोड़ा ग्रे हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें डार्कर टोन भी आता है, डार्कर टोन दिखाई है। ये लगाने के बाद ये ऑयली तो नहीं करेगा स्किन? नहीं, हल्का सा पाउडर लगाएं, पाउडर लगा, हल्का सा पाउडर। देखिए जब भी आप कोई लिक्विड फाउंडेशन, लिक्विड चीज लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो आपको पाउडर उसको ब्लॉक करने के लिए जरूर होता है। ये एज फाउंडेशन अप्लाई करें राजेश। अच्छा ये डार्क कलर, आप अपना हाथ दिखाएं, ये डार्क, ये देखिए अब इनके हाथ पे लगाते, हाथ से चेक कर सकते हैं वैसे? अच्छा अभी ये थोड़ा डार्क ज्यादा है, ये ज्यादा, आप क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इतना हल्का सा एक ड्रॉप खुला है, ये मिक्स किया एंड फिर आपका एक इनके इनका शेड, अच्छा आप इनका शेड अच्छा मिक्स करके, हाँ मिक्स करके बिल्कुल इनका शेड बन गया। अभी अगर मुंह पे लगाएंगी एक स्मूथनेस आ रही है। और उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड आप लगाते हो, जब भी आप कोई लिक्विड का चीज करते हो, तो पाउडर लगाना जरूरी है ताकि उसको आप ब्लॉक करें, सील कर दें, अदरवाइज सारा मेल्ट हो जाता है। पाउडर बहुत जरूरी है लगाना, जो लोग बोलते हैं ये बीबी क्रीम लगाने के बाद पाउडर भी लगाना, पाउडर हल्का सा, बहुत बहुत आपका कोई ऐसा पाउडर है जो जो वो ऑयली एकदम हो जाती है और ह्यूमिडिटी आउटडोर जा रहे हैं दोपहर में लगाना है, कोई ऐसा है? इसको यूज कर सकते हैं आप ब्रश से? मैं ये वाला यूज करती हूँ, मैं तो इसको घीला करके लगा लेती हूँ, मेरा तो बेस ही यही होता है। मैं और फिर नहीं लगाती, तो नीचे पे बेस नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती, मैं सिर्फ यही लगाती हूँ मतलब आम दिनों में। लेकिन ये तो व्हाइट है, इसके लिए, इसके लिए कौन सा शेड होगा? इनके लिए दूसरा शेड देना। हाँ देखिए हम इसलिए बता रहे हैं ना कि लड़कियों को पता हो कि हल्का फुल्का मेकअप खुद करना है शादी के बाद, अगर व्हाइट लगाएंगे तो ग्रे हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो अपनी टोन का ही करें। ये दिखाए जरा, ब्रश है कोई, ब्रश दीजिएगा। ये हमने यहाँ पे बीबी क्रीम लगाई थी, बिल्कुल ही जैसे उसके स्किन के साथ में नेचुरल हो गया। राजेश मैं करके बताऊँ तुम्हें? करे, कैसे करूँ? ऐसे हाँ करें, हाँ इस तरीके से। अच्छा ऐसे, हाँ पहले टैप करें और उसके बाद फिर कितना अच्छा शेड आया है ना, स्मूथ। ये अब देखो साफ भी एकदम रंग लगने लगा, बिल्कुल, और ग्रे भी नहीं लग रहा। और गोरा होने के लिए इतना कॉन्शियस ना, जो आपका अपना कॉम्प्लेक्शन है उसी को अगर आप फ्रेश करते हो, उसी को आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हो, पानी अच्छा पीते हो, खाते पीते अच्छा हो, तो आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। अपनी स्किन पर तवज्जो दें, वही ज्यादा अच्छी लगती है, राधर की आप गोरा होने के चक्कर में मेकअप गोरा खरीद रहे हैं और वो आपको इस्तेमाल करना भी नहीं आ रहा और आप एरियन लग रहे होते हैं। कोई ऐसी चीज है जो मेकअप उतार रहे, जैसे इनकी शादी हो, शादी के बाद जब ये घर जाए तो इनको मेकअप उतारने के लिए कोई ऐसी चीज है आपके पास? कैमोमाइल की कंप्लीट रेंज है हमारे पास। माइक में बताइए प्लीज, कैमोमाइल की कंप्लीट रेंज? कैमोमाइल ये बड़ा अच्छा है, ये आई मेकअप रिमूवर है कैमोमाइल का, और ये आपके रैशेज नहीं होने देता और ये फटाफट उतार, ये कॉटन से लगा के, ये कॉटन से उतारे वाइप से, है ना? कॉटन पैड्स होते हैं हमारे पास, इससे रिमूव हो जाता है। आप कैमरे के सामने प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अब ये हो गई कि आप मेकअप उतारने के लिए एक चीज खरीदनी है तो दोनों में से कोई एक ही, दोनों आई मेकअप रिमूवर है। ये वाटर प्रूफ मेकअप उतारने के लिए, इसके कोई गिफ्ट पैक नहीं बना हुआ, कस्टमाइज करवा सकते हैं, एम्प्टी बॉक्सेस भी हैं, बास्केट्स भी हैं। चलो एक ब्रेक पे जाने से पहले हम क्या गिफ्ट बॉक्स बना सकते हैं कि दुल्हन को क्या क्या दे सकते हैं? टाइम है, एक जल्दी से एक गिफ्ट बॉक्स उठाएं जल्दी से। अब देखिए बड़ी सारी फेस की चीज, ये वाटर प्रूफ वाली चीज रखते हैं ना, है ना, क्योंकि दुल्हनों का तो यही मेकअप होता है। और पता है मुझे तो लगता है कि दुल्हनों के डब्बे में ये जरूर होना चाहिए। हाँ वो वाला उठाओ ना, खुशबू वाला, बिल्कुल। देखो एक तो ये हो गया मेकअप रिमूवर, बड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक है, हम सब फिल करते हैं। ऐसे कोई गिफ्ट हमें दे दे, नहीं खाली दोनों नहीं रखो ना, एक रखो। हाँ ये ज्यादा खर्चा हो जाएगा। एक ये हो गया जिसमें से खुशबू आया अंडर आर्म्स में से, एक हो गया बीबी क्रीम, सीसी क्रीम और बीबी में क्या फर्क है? बीबी क्रीम बेसिकली विद विदाउट एसपीएफ होती है, ग्लो नहीं करती, एक ऐसा ही ग्लो करती है विद एसपीएफ। ये एक स्टेनर हो गया, वो स्टेनर रेड वाला रखेंगे ना, ये तो पता नहीं कौन सा ऐसा जो बस चले, ये पिंक है, ये पिंक नहीं रेड, ये वाला रेड, ये कौन सा शेड है? ये है पिंक, नेचुरल पिंक है, ये मैं आपको यहाँ रखने वाली हूँ। हाँ ऊत, ये ऊत दुल्हनों के लिए ये जरूरी है, ऊत। ये सीसी क्रीम हो गई, ये कॉम्पैक्ट हो गया, ये ऊत हो गया। अच्छा आप जल्दी से बता सकते हैं कि इसकी पूरी की प्राइस क्या हो जाएगी? हाँ कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज बता दें बस, एवरेज बता दें अंदाज़ पूरी सबकी। तकरीबन तकरीबन 15,000 बनेगी इसकी पूरी रेंज। और ये देखें ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो दुल्हन के पास होनी चाहिए। एक टीवी ना लो, टोस्टर मत लो, ये ले लो, और क्या है ना, तुम एक जोड़ा ना खरीदो, जोड़ा आ जाता है ना 15,000-20,000 में। जोड़ा तभी अच्छा लगेगा जब तुम लोगों की शक्ल अच्छी लगेगी, शक्ल अच्छी लगेगी तो तुम लोगों का, तुम किचन में जाकर
आगे चाय अच्छी वो नर्वस है, चार दिन रह गए आपके, अब क्यों परेशान है आप जी? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम चलेंगे, पहले हमने फेस की बात की, स्किन की बात की, अब हम शूज की बात करेंगे, वो चीजें जिनको आप इग्नोर कर देते हैं हम उसकी बात करने जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मच जाएगा हमारा आज का कराची पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हम आज शॉपिंग करने आए हैं, अपनी नहीं अपनी प्यारी प्यारी दुल्हनों की, जो हमारे सामने यहाँ तीनों बैठी हुई हैं, इनकी शादी कुछ ही दिनों में। हमारे साथ वाजिद खान है और हमारे साथ किरण है, इनकी भी शॉपिंग शुरू हो गई है। हाँ, आप किसी ऐसे को साथ रख लें जिनको शॉपिंग का बेहद शौक हो, तो वो दूसरों की भूल के अपनी कमी करने लगते हैं। अभी हम खड़े हैं वॉकीज पे, जूते शूज सैंडल्स ये एक बहुत बैग्स बहुत अहमियत की हामिल है, एक्सेसरीज बड़ी जरूरी होती है जिंदगी में। इसकी शॉपिंग कैसे होनी चाहिए, ज्यादा नहीं ले कम ले, मगर अगर ले तो क्या क्या कलर्स ले? किरण और वाजिदा प्लीज बताएं लोगों को। जूते और जो नॉर्मल हैंड बैग है उनसे हट के मैंने निदा को बोला कि जो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज होती है ये सूटकेसेस रखे हुए, इसमें अच्छे सूटकेस दिखा रहे मेरी शकील भाई के कैमरे से कट करके जरा। एक ये सूटकेस बड़े साइज का और एक ट्रैवलिंग बैग मस्ट है, ये तो जरूर चाहे मियां कभी हनीमून पे लेके भी ना जाए फिर भी होना चाहिए। हाँ लेके जाना हो ना नाराज होके तो सही रहता है ना, कुछ तो हो ना पोटला बना कितनी लेके जाए, बहुत काम आते हैं, बैग अच्छा होना चाहिए। क्या बोलते हैं बेसिक चप्पलों में जैसे आपके पास सिल्वर होना चाहिए, गोल्डन होना चाहिए, और जो हील्स होती हैं सैंडल्स जो होती हैं सिल्वर सैंडल्स होनी चाहिए खुले वाली या कोट शूज होनी चाहिए? पीप टोज होने चाहिए खुले हुए जो आगे से होते हैं जो दिखाए ना फिर मेरे ख्याल से, तो कैमरा मैन आप हमारे साथ, बंद होना चाहिए और एक खुला होना चाहिए, एक खुला होना चाहिए। किधर है जी आपके बंद और खुले वॉकीज में इस वक्त हम मौजूद हैं, सब मौजूद है यहाँ। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं तो कौन सा सिल्वर शू, आप दोनों एक्सपर्ट मुझे बताएं कि कौन सा सिल्वर शू अगर सैंडल्स हैं या ये इस तरह के सैंडल बताइए और एक वो बताइए बंद वाला। आई थिंक ये एक ऐसा शू कि शादी ब्याह के कपड़ों के साथ ये अच्छा, अब आप गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के साथ जाएगा वाजिद? अच्छा ये दोनों के साथ जाएगा क्योंकि ये गोल्ड है और ये सिल्वर। अच्छा आप वाजिद तुम पहले लेकर आ जाओ फिर मुझे बताओगे। ये ये हो गई गोल्डन, ये हो गई सिल्वर। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि डायमंडीज लोग रट जाते हैं जो, और कभी कभी कपड़े ऐसे होते हैं जो डायमंडीज से अटकते हैं तो हर दफा तो ये इस तरीके की चप्पलें हैं, इस तरीके की चीज मटेरियल है कि चप्पल फंसती नहीं है। ये हो गया एक टू शूज। और अच्छा आप बंद वाले दिखाओ, बंद वाले हैं ये एक्चुअली ये थोड़ा सा बंद में ही आ जाता है जिसमें आपको थोड़े से ये टोज नजर आएंगे, पूरे बंद नहीं है तो ये अब हमें बंद नहीं है पूरे। अच्छा बंद इस तरीके से है बट ये बहुत गॉडी है, बहुत ज्यादा नग है। अच्छा ठीक है तो अगर फाइन इनके पास ये वेस्टर्न के साथ फिर भी विदाउट नग में भी है वो दे रहे हैं, विदाउट नग में भी है तो दे रहे हैं। ये वाले अच्छे लगेंगे लेकिन थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल होगा तो ये देखिए ठीक है जिस तरीके से है कैमरे के सामने ये वाले ठीक है। और जैसे ऊपर रखी हुई है ना सैंडल कलर डाउट इनकी बहुत अच्छी है, जैसे रोज गोल्ड कलर वो रखा हुआ है वो बहुत प्यारा। अच्छा अब इधर आ जाओ वाजिद, अब नेक्स्ट सवाल किरण और वाजिद तुम लोगों से ये है कि आप फर्ज करें हमने ये जूते खरीदने हैं, अच्छा, एक गोल्डन और अच्छा लग रहा है, एक हमने सिल्वर लेने, ज्यादा जूते हमने नहीं लेने। मेरे ख्याल से ये दोनों को चलेगा, बजट कम है तो दोनों ले लें, मतलब कि एक ले लें, इसमें गोल्डन भी है और सिल्वर भी है ठीक है। एक होता है स्किन कलर का जो अक्सर आप भी पहनती हैं, स्किन कलर का वो इधर पे रखा हुआ है बेज कलर का। ये सवाल पहले मैं तुमसे पूछूंगी उसके बाद तुम जवाब मुझे बताना। अब लड़की जो है उसका सांवला रंग है ठीक है, तो पैर दिखाओगी अपने प्लीज, उतारो चप्पल अपनी, साइज क्या है तुम्हारा, साइज क्या है? 10 है, ओहो 10 नंबर का जूता दे भाई। हां ये कौन सा नंबर है? हां अच्छा अब तुम्हारा साइज क्या है पैर का? आप लोग के माइक लगे हैं, एक मुझे 5 नंबर चाहिए, एक 10 नंबर चाहिए, और आपका क्या साइज है? 9 ये 9 है क्या? हां अच्छा वाजिद जी इनका पैर जो है सांवला है और चौड़ा है, पाँव दिखाओगे प्लीज, सॉरी सांवला है और चौड़ा है ठीक है, आपके इनका पैर बहुत छोटा है और उनका पैर भी चौड़ा है ठीक है, अब बताओ इनको क्या क्या चीजें पहननी चाहिए? इनका जैसे सांवला रंग है तो गोल्ड गोल्ड डल गोल्ड पे जो हमने निकाली है तो वो बहुत प्यारी लगेगी, और बन भी पहन सकती हैं ये? हाँ बन भी पहन सकती हैं लेकिन बन बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। अच्छा जिसकी वजह से अगर पैर आगे से बहुत पतला होगा तो क्या साइज है? 10 साइज क्या होता है कि
इसको वैसे वो वाला ज्यादा सही लगे जो डायमंड टीज वाला है बंद वो करेगा। अगर बंद बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि आप ऊपर से बहुत चौड़े लगने लगते हैं, ये आप पहनो और ऐसे लगेगा कि आप किसी नोकीली चीज पे खड़े के धक्का देगा तो कोई गिर जाएगा। बट जूते एक ऐसी चीज है आपको खुद ही ट्राई करके लेना होता है। बस जूते देखने में अजीब से लग रहे होते हैं, पाँव पे अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा आप देखिए, इन्होंने कहा वाजिद ने कि जिन लड़कियों के सांवले पैर है वो सिल्वर के बजाय वो इस तरह के गोल्डन जूते पहने, मगर बहुत चीखते हुए गोल्डन नहीं होने चाहिए। ये बहुत अच्छा, फॉर एग्जांपल चीखता हुआ गोल्डन चाहिए मुझे प्लीज, कोई भी गोल्डन यहाँ एक सन रखिए, कोई भी चीखता हुआ नहीं, वो सिल्वर और गोल्डन, ताकि हम लोगों को दिखाएं कि चीखता हुआ गोल्डन क्या होता है। ऊपर तुम बताओ ना, ये वाला ये चीखता हुआ गोल्डन दिखाए ना, चीखता हुआ ये चीखता हुआ ये। अच्छा अब ये देखें, ये है चीखता हुआ गोल्डन, ये किसी चीख रहा था, ये चमक रंग बहुत साफ हो तो ये उनके ऊपर अच्छा लगेगा, ये उनके ऊपर अच्छा लगेगा, ये सांवले लोगों के ऊपर ये वाला रंगत नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत पीला पीला है तो ना दबा देगा, दबा देगा। अब अगर जिनके बहुत चौड़े पैर है जैसे इन दोनों लड़कियों के चौड़े पैर है तो इनको किस तरह के जूते पहनने चाहिए मुझे ये बताओ। इनको ये जैसा हमने निकाला है ये बहुत अच्छा, आगे रखो की पैर छुपा क्यों रही हो, देखो स्मार्ट लग रहा है, ये देखो ये इस तरह और पाँव भी थोड़ा सा एलिगेंट लग रहा है, जो बीच में पट्टी आ रही है तो उसने उनके पैर को कॉन्टोर कर दिया जिसकी वजह से पैर पतला लग रहा है, स्टाइल आ गया। जो भी हमने वहाँ से शॉपिंग करवाई है, अगर आप क्रीम लगा के पैर में पहनेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा, क्रीम लगा के पहनेंगे पैर में तो बहुत प्यारा, नेल पॉलिश की अच्छी सी दाग रेड कलर लगी हुई हो, मरून लगी हुई। आप वो दिखाओ जिसका 9 नंबर है, इनका पैर तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये 6 नंबर चौड़ा है ना, चौड़े पैर के लिए ये वाले जूते सही रहते हैं। दादा ये तुम ट्राई करो, ये ट्राई करो तो चौड़े पैर के लिए ये वाले जूते इस तरह जरा से आगे से जो बंद चौड़ा होगा वो उतनी चीज को कवर कर देगा। अच्छा छोटे ये वाले किस पैर के लिए होते हैं, बंद वाले? अच्छा ये बंद वाले जिनके जिनके बहुत पतले पंजे होते हैं, जिनका मेरा आगे निकल जाता है, मेरा पैर बहुत पतला है और लड़कियां जो पिटीट होती है बहुत ही पतली पतली जिनकी शादियां हो रही होती है उनके साथ ही होता है, उनके पैर सारे खुले जूतों से आगे निकल रहे हैं। अभी आप जैसे पहनो तो आपका पैर आधे से ज्यादा, ये मेरा ऐसे होता है, बुरा बुरे लगते तो उनके लिए ये जूते बंद जूते ठीक है, लेकिन उनका दिल नहीं चाहता होगा ऐसे खुले जूते पहने, छोटे वाले जो होते हैं पतले। अब ये जिसके छोटे पैर है वो किस तरह के जूते पहने, जिसकी छोटी हाइट है, पैर छोटे हैं, है वाजिद जैसे उसने पहना भाई सही है? हाँ नहीं ये बहुत ज्यादा बहुत बहुत बिजी कर दिया पैर को, अगर पतली पट्टियां हो ना उस पे पतली पट्टी वाले उठा के दिखाओ, इसको दिखाओ क्रॉस में, हाँ ये जैसे इनके लगे हुए हैं। वैसे तुम कौन से जूते पहनती हो जब नॉर्मली तुम अपने घर में पहनती हो तो किस तरह के जूते तुम पहनती हो? शादी टाइप तो ये भी सही है, इतनी हिल्स तक तुम पहन सकती हो, बर्दाश्त है ना, ट्राई कर सकती हो हील क्या हाथ के इशारे से बताओ, इतनी हील पहनती हो इतनी पहन, हम थोड़े से 5 नंबर है इसका, 5 नंबर। अच्छा लास्ट 6 होता है, ये देखें कैसा लगता है, ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये पतली पट्टी के हैं, इनके हिसाब से इनके कद के हिसाब से ये हील छोटी है, हील ज्यादा होनी चाहिए लेकिन सामने से इनका फरमा इस तरीके से हो। अच्छा छोटे 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 पैर, जिनके छोटे पैर हैं उनके सामने से फरमा इस तरह पतला बारीक बारीक इस तरह का होना चाहिए, जैसे ये है दिखाओ, जैसे ये डिजाइन है, जैसे ये डिजाइन है इस तरह नाजुक, क्योंकि नाजुक पैर है तो उसके ऊपर नाजुक जूते अच्छे लगते हैं। सुनो जिनके धब्बड़ धब्बड़ पैर होते हैं जरा चौड़े चौड़े उन पे नहीं अच्छा लगेगा, ये इसको पहन के दिखाते हैं, ये भी अच्छा लगेगा, इसमें बड़ा दिखाए जरा, तुम ये उतारो पहन के, ये वाला देखो ये वाला साइज, ये भी प्यारा, ये भी जो जिनकी छोटी हाइट है और जिनके छोटे पैर है ये भी उनके ऊपर अच्छा लगेगा, यानी कि नाजुक नाजुक जूते। अच्छा आपका जूता डिपेंड नहीं करता कपड़ों पे ना, बिल्कुल आप कपड़े किस तरह के पहन रहे, ये पहनो जिनके चौड़े पैर है मुझे ये देखना है कि ये कैसे लगे, 10 नंबर ला दे, रुक जाए दो मंगवा रहे हैं। अच्छा जब तक एक चीज ये बताओ वाजिद कि अगर आपको लंबी हील पहननी है ठीक है तो वो कंफर्टेबल दुल्हनों के लिए कौन सी रहेगी, गरारे के अंदर तो हील छुप जाती है ऐसे जो आगे से भी प्लेटफॉर्म जो होते हैं आगे से, जैसे ये है, हाँ ये जैसे है आगे से हो जाता है, या वेजेस पहन ले पूरे जो होते हैं, कवर हो जाते हैं ना, कवर हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं और गिरने का डर नहीं होता, बट आजकल तो बहुत स्टाइलिश से आगे बने बने थे, हाँ ये देखो डायमंड लगे और ये कवर भी हो जाते हैं जब तो ये दिखते हैं, और ये चलने में आसानी होगी ना, चलने में आसानी होगी, बहुत सारी औरतें जो साड़ी वाड़ी भी पहनती है और उनको डर होता है कि हील पेंसिल हील उनकी साड़ियों को चीर ना देना, तो उसके लिए ये सही रहता है।
और जिनको आदत नहीं है हील पहनने की तो वो उनके लिए तो बेस्ट है। आपने ये मंगवाया, ये वाला मंगवाया सबसे छोटा सा? अच्छा बाजी, जब तक ये जूते लेकर आ रहे हैं मुझे आपसे एक सवाल करना है, और किरण आपसे भी, क्या क्लचेस किस तरह के क्लचेस अपने दिखाएंगे जरा, हम उधर आ जाते हैं। बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन डार्क है लड़की का, उसके हाथ भी डार्क है, तो क्लच तो हाथ में होता है, फिर अगर कैसा क्लच हो कि वो हाथ इतना ज्यादा डार्क ना दिखाए, इनको जरा ये इस तरीके का हो गया, ये हो गया, होल्ड करके दिखाते हैं ना, पहन के ट्राई करते हैं ना, वहीं पर ही उधर वहीं पे ले जाओ, दो तीन ले जाओ, तुम इधर आओ, तुम लोग इधर आ जाओ, जूते उतार के आ जाओ, जब तक जूते दूसरे आ रहे हैं, या तो फिर ये ऐसा वाला ले ले, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे पकड़ के देखो, चेन दुल्हन कहाँ चेन पहनती है, इसको किस तरह से लेंगे बाजू, ऐसे, और जैसे अब देखिए वो प्यारा लग रहा है, अगर वो सिंगल कलर वाला देंगे ये वाला कलर इनके हाथ में तो ज्यादा प्यारा लगेगा, ये डार्क कॉम्प्लेक्शन है, सिंगल कलर है, अगर ये पकड़ेंगे देखिए तो इनके हाथों में और ज्यादा डार्क लगेगा, तो हम ये कभी नहीं पकड़ेंगे, कैमरे में तो दिखाने दो, जल्दी जल्दी नहीं करो, हम डार्क कलर कभी भी नहीं देंगे, डार्क कलर के हाथ पे देंगे तो वो डार्क और लगेगा हाथ, ठीक है। अब अगर लाइट कलर दे रहे हैं, वाजिद ने कहा कि लाइट कलर भी हाथ में पकड़ा रहे हैं तो वो बेहतर लग रहा है, हाँ। पकड़ने के तरीका बताओ ना कि हाथ ज्यादा तस्वीरों में नजर ही ना आए, मेहंदी हाँ। भी तो लगी होती है, हाँ। ये पकड़े, हाँ, ये देखें इस तरीके से, ऐसे तस्वीरों में होगा, क्योंकि देखिए मुंह पे तो मेकअप हुआ हुआ था, हाथ पे मेकअप, फिर ऐसे ही रख ले, ऐसे रख ले, यूजुअली यूं रखना चाहिए लड़कियों का हाथ, ऐसे लड़कियां यूं पकड़ती हैं दुल्हनों को, यूं जहां कैसे बाजी कैमरे में बता, दुल्हन कैसे पकड़े, इस तरीके से पकड़ना चाहिए, अच्छा हाथ ही होना चाहिए और ऊपर इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। दुल्हन गलती क्या करती है, पकड़ती कैसे, दुल्हन यूं पकड़ लेती है यूं पकड़ लेती है पूरे नाखून पूरा, तो क्या है दुल्हनों को ऐसे पकड़ना चाहिए, आधा हाथ दिखा, बिल्कुल एलिगेंट लगे, हाँ थोड़ा क्लासिक डेलिकेट सा लगे, ये हो गया, और अच्छा। जैसे गोरे हाथ हैं तो उनको आप कुछ भी पकड़वा, अच्छा गोरे का तो टेंशन नहीं, हाँ। इसमें कौन कौन से एक दो निकाल के दिखाओ जिनके काले हाथ हैं वो, अच्छा निधा अभी जैसे इनकी हाइट छोटी है, ठीक है, हाँ, अभी नॉर्मली अगर इन्होंने हील भी पहनी है तो इनपे कोई बड़ा बैग अच्छा लगेगा या छोटे ही इनको लेने चाहिए, जैसे अब ये नहीं अच्छा लगेगा, वाजिद एक सवाल बड़ा अच्छा इसने किया है, देखो इनकी हाइट छोटी है, इनकी हाइट इनपे किस तरह के बैग, बड़े साइज के, अभी बैग्स पर नहीं आते हैं, अभी क्लचेस को कवर करते हैं, क्लच भी मतलब क्लच में पेटीट क्लच, इनको क्या, हाँ छोटे क्लच लेकिन चेन वाले पहना, चेन वाले हाँ, यू लेते हैं छोटे, नहीं है आपके पास, हाँ ये छोटे वाले दे दो ना, तो सही है चेन वाले साइज के हिसाब से, मतलब कि दुल्हन ने तो कहा छोटा है, दो छोटे पर्सेस ले, इसमें चेन है, इसमें चेन भी चेन होगी, इसमें चेन ये लंबा भी अच्छा लगेगा उनके साथ, चेन वादी इसका क्या बता रहे थे तुम, अब जैसे ये कलर है, ये लगा है, ये डार्क है बट ये इनके हाथ पे अच्छा लगेगा क्योंकि ये मरून है, नहीं वाजिद ये नहीं अच्छा लग रहा, नहीं कलर पीछे पलटा है ये कलर, लेकिन जाता है डार्क लग रहा है, लेकिन जाता है, डार्क लगेंगे जाता है, अच्छा नेल कलर लगेंगे फिर जा सकता है, बट ब्लू नेल कलर, पर्ल नेल कलर, ये बहुत अच्छा है पर्स, ये जैसे ये तो शादी के अलावा किस किस चीज में, लाइक पार्टी पे, ये फॉर्मल वेयर्स के लिए, लग्जरी प्लेट पे आप डाल सकते हैं, अच्छा इनको हम ऐसे ऐसे टांग लो, ऐसे टांगो, अच्छा दुल्हन दुल्हन कैसे टांगे, दुल्हन टांग सकती है, ये तो बहुत मॉडर्न हो गई है दुल्हन, सब टांग टांग के, अरे दुल्हन ने बैठी होती तो वो कैसे टांगने वाली, नहीं देखो ना आते हुए टांग के ऐसे पकड़ ले, ट्रेंडिंग चेन भी दिखती रहे ऐसे करके, भले वहाँ पे ना हो और ना हाथ पे गिरी भी हो, अगेन ऐसे पकड़, ये अच्छा लग रहा है, साइज इज परफेक्ट है इसके लिए, अच्छा सुने जैसे इनके जैसे माइंड नहीं करना प्लीज, इनके मोटे हाथ हैं ये क्या करें, अच्छा हम इसको अब ये आगे करके ऐसे बैठेंगी पर्स पकड़ के तो जो हाथ नजर आएंगे, ये तो चाहेंगे अपने हाथ किसी तरह छुपा लें, इनको मेकअप वालों से जैसे हम दुपट्टे से इनके हाथ कवर कर देंगे, अच्छा दुपट्टे से हाथ कवर कर देंगे, बैठने का भी तो स्टाइल होगा, बिल्कुल ऐसे बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ वाजिद, ये अभी ये बिल्कुल सीधा बैठी हुई है, ये होके बैठे, हाँ इस तरीके से बैठे तो क्रॉस होके बैठे, और उसके अलावा देखिए नॉर्मल, ये तो हम क्लचेस की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल बैग होते हैं उसको भी आप लेके वो हम जाएंगे बताएंगे, ठीक है अभी जूते आ गए, जूतों पे दोबारा से लाओ क्लचेस दे दो, आ जाओ बैठ जाओ अपनी जगह, बैठ जाओ पसंद भी करते जाते हैं, हाँ जल्दी आ गए जूते,
पार्क टावर्स की एक खास बात ये, मैं और निधा जब भी यहाँ पर आते हैं ना इस तरह का कोई शो करते हैं, शो के बाद हमारी बड़ी शॉपिंग होती है। बहुत शॉपिंग होती है। अच्छा, अब इस शॉप पर आके यानी वॉकीज पर आके हमने जो सीखा है वाजिद और किरण से वो ये है कि अगर आपकी साड़ी आपने पहनी हुई जिसमें से आपके पैर नजर नहीं आ रहे थे ज्यादा, या आपने गरारा पहना हुआ है, तो कंफर्टेबल हील आपके लिए ये रहेगी इस तरह की, ये जिससे आपके कपड़े नहीं फटेंगे, जो लंबे कपड़े। अब अगर आपने कोई ट्राउजर्स या आपने कोई पतले वाले वो पहने हैं तंग पजामे, या तो उसमें आपके पैरों पर अगर चौड़े पैर हैं तो इस तरह की जूती बताई थी वाजिद ने, कांगे कांगे कांगे, वो जैसे ये पहन रही है ना, ये इस तरह चौड़े पैरों के ऊपर ये इस तरह की जूती अच्छी लगेगी, जिसमें छोटा सा पैर नजर आएगा और सारा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। और मैट गोल्ड यानी कि ये कलर मैट कलर अच्छा लगेगा काले सामने पैरों पर, गोल्ड ना के ये वाला गोल्ड, ठीक है। ये हमने इस सेगमेंट से ये बातें सीखी हैं। नाजुक पांव जिसके हैं, जिसके पतले पांव हैं, छोटे पांव हैं, उसके पैरों पर इस तरह की जूतियां अच्छी लगती हैं, धब्बी धब्बी बड़ी बड़ी नहीं बल्कि नाजुक नाजुक डेलिकेट जैसे वो पहन रही हैं, जैसे वो अभी पहन रही। और भाभी कुछ सम टाइम ना बहुत दुल्हन बहुत लंबी होती है जिनको हील की जरूरत नहीं होती है, तो जैसे ये फ्लैट पड़ी हुई सी, हाँ ये भी उन लड़कियों को हम ये रेकमेंड करेंगे सी, इस तरीके की चप्पल डायमंडीज वाली होगी। अच्छा। जो लड़कियां बहुत लंबी होती हैं बोलती है हमारे हमें पफ भी ज्यादा मत बनाएगा, हम अपने दूल्हे से लंबे लगने लगेंगे से, तो उनके लिए देखें ये बहुत खूबसूरत चप्पल है, अच्छी अच्छी चप्पलें हैं, बिल्कुल फ्लैट चप्पल है ये, देखे जरा कितनी खूबसूरत चप्पलें। फोकस हो रहा है, ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको कहीं और शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं हमें SMS करें ताकि हम यहाँ पार्क टावर्स में होते होते ही आपकी पसंदीदा शॉपिंग प्लेस पे पहुंच जाएं, यानी आपके पसंदीदा शॉप पर पहुंच जाएं और आपको बताएं इनके साथ साथ कि इन्होंने शॉपिंग क्या करनी है। जब हम प्रोग्राम खत्म करेंगे लड़कियों फिर तुम्हारी शॉपिंग की। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तानी, हमारा लाइव शो ये है और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, सईदा अमीरा के पास हम खड़े हुए हैं और मैंने टैग भी नहीं उतारा, तो तीज उतार दी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, कैसे लग रहे हैं, खुश ऐसे क्या सोचा आपको इतने कपड़े लगे मैंने कहा कि यार मतलब अब यहाँ आए हैं पार्क टावर्स में तो लगे तो सही, अब हम आप पता है ब्रेक के दौरान हम क्रीमें लगा रहे हैं, जूते पहन पहन के खुद देख रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ऑन एयर ही है, मैंने तबस्सुम का वो जो अलदेव है ना लॉन्च है ना कल, बिल्कुल लॉन्च है आज, मैंने भी उसी का ये सही था। अब पतले होने के बाद हर जोड़ा आ जाता है, खैर हम अपनी बातें छोड़े हैं, दुल्हन की बातें, एक्चुअली हम उनके लिए आए हैं यहाँ पार्क टावर्स में कराची में, और अब हम इनके लिए वो कपड़े खरीदेंगे जो ये शादी के बाद पार्टीज के लिए पहन सकते हैं। अब आपको पता है एक जो है उनका रंग सांवला है, एक थोड़ी बल्की है और एक का की हाइट छोटी है, तो वाजिद और किरण दोनों आप इन तीनों के लिए जरा जोड़े ढूंढें, चले कॉन्सेप्ट। अच्छा ये शादी के बाद जो दावत के यंग यंग लड़कियां हैं बहुत औरतों वाले कपड़े ना ढूंढना, वैसे तो औरतों वाले इधर होते भी नहीं, इधर बहुत स्टाइलिश और बहुत ही सईदा अमीरा के पास जैसे ही आप जैसे मैंने पहना है, देखिए अच्छा लूज, अच्छा मुझे बताओ जैसे ये लूज कट है ना, ये पोंचो स्टाइल है, तो ये वाला इन तीनों में से किसके ऊपर अच्छा लगेगा? अच्छा ये वाला, अच्छा मैं जैसे ये पोंचो स्टाइल है ना, तो ये जैसे इनके ऊपर अच्छा लगेगा, जो सामने रंग की है, सामने रंग की पोंचो अच्छा लगेगा, और जो थोड़ी सी बल्की है उनके ऊपर ये अच्छा लगेगा, इधर आओ इधर आओ, ये वाला कट अच्छा है, आप इधर आए, इनके लिए ये कट अच्छा लगेगा, दुबली भी लगेंगी, दुबली लगेगी क्योंकि जब आपने मतलब अंदर से शमीज और ऊपर ब्लेयर मेहंदी टाइप का कोट इस तरीके से, क्या होता है जब ये सामने वाला पार्ट इनका नजर आएगा और ये जो डार्क कपड़ा आ रहा है ये इनकी बॉडी को कॉन्टोर कर देगा। अच्छा, वैसे भी जब भी आप अपने नॉर्मल भी कपड़े बनवाएं तो जो थोड़ी सी हैवी होती है बल्की होती है तो उनको जैसे ऊपर अपर कली जो लगती है ना पैनल, जो अपर पैनल कहते हैं वो करवाएं और डार्क एंड लाइट का टोन रखें, जो सेंटर वाला पार्ट लाइट रखें और साइड वाला डार्क रखें, तो ऐसा लगता है बॉडी बॉडी जो अभी कॉन्टोर हो गई है इस तरीके से, और इसके साथ अच्छी सी ज्वेलरी पहन सकते हैं, मतलब जैसे अगर ये हैवी है ऊपर से तो क्या इनको ऊपर हार पहनना चाहिए, क्या लॉन्ग भी अच्छा लगेगा, लॉन्ग लंबा माला पहनना, लंबी माला पहनना, अगर आगे से हैवी है तो लंबी माला माला पहने जी। अच्छा क्या होता है जब लाइन आप करते हैं ना तो आप कॉन्टोर कर रहे होते हैं बॉडी को, जब ड्रेप कर रहे होते हैं तो आप
बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगेन जैसे ये वाला स्टाइल है तो इसमें ये गिर रहे ना, ढलक रहे, मैं पतली लग रही हूँ, खुश पतली आप हो गई है नेता। तो ये जैसे इनके ऊपर जाएगा, अब जैसे आप रख के भी देखते हैं तो क्या होगा, अब जैसे आधा फेस देखें, आप देखें अभी आपको समझ में आएगा, आप देखें वो उसकी फॉल ही इतनी अच्छी बैठेगी, फॉल इतनी अच्छी आएगी, मटेरियल भी ऐसा है ना फॉल वाला। अच्छा आप जैसे थोड़ा फॉर्मल हो गए ना, हम थोड़े फॉर्मल कपड़ों पे आते हैं तो क्या हम इनके लिए ज्यादातर ब्लैक का इंतखाब करेंगे, ब्लैक कपड़ों का, जैसे ये है देखो अब ये है। अच्छा बहुत ज्यादा काम भी नहीं, मुझे भी बहुत ज्यादा काम क्या होगा कि बहुत ज्यादा चौड़े लगेंगे। अच्छा अगर ये चौड़ी है तो बहुत ज्यादा काम वाले कपड़े ना पहने। चलो तुम फिर किरण इनके लिए ढूंढो कि अगर इनको फॉर्मल पहनाना है, स्लीव तो लग जाएंगे, स्लीवलेस भी होगा तो खैर है, वो तो हम बाद में लगवा लेंगे। तो फिर कैसा कैसे वाले होना चाहिए, व्हाइट में, ब्लैक में, किस तरह के कलर्स का इंतखाब करें? मरून भी अच्छा लगेगा। अच्छा डार्क मरून अच्छा लगेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अब जैसे ये है, ये बहुत प्यारा लगेगा, ये जो लाइनें आ रही हैं, लाइनों से आपको ये अगेन आपकी बॉडी जो इससे कॉन्टोर होगी, क्योंकि लाइनें आपको हमेशा पतला लुक देती हैं। अच्छा और ये जो गाउन होंगे लंबे लंबे, ये क्या इनके ऊपर सूट करेंगे, क्योंकि ये तो बल्की है ना, इसको आप अगर थोड़ी सी ऑल्टर करवा दे और ये अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये फिर अगेन घेर है, ऊपर से फिट है, नीचे से घेर है, तो ये आपकी बॉडी में शेप दे देगा। कस्टमाइज भी बनाते हैं ना आप, ये शेप है, उन्होंने बोला मुझे ये चाहिए, और अगर लॉन्ग होता है ना तो आप वैसे भी स्लिम लगते हैं। अच्छा यानी कि जो मोटे लोग हैं वो थोड़ी लंबे गाउन टाइप कपड़े पहने बजाय इसके कि चोली अलग हो, शरारा अलग हो, वो थोड़े गाउन टाइप कपड़े पहने, ठीक है। अच्छा अब आप छोटे तीनों को जहन में रखते हैं ना, अब छोटी अब जिनकी हाइट है, मैं इसलिए कर करके, अच्छा आप बताओ जिनकी हाइट छोटी है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या वाजिद? चलो ये जो पहले वाली कट मैंने पहना उन पे व्हाइट भी अच्छा लगेगा, व्हाइट अच्छा लगेगा जो पहले हमने अभी इनको किया था। हाँ व्हाइट पूछो वाजिद, व्हाइट अच्छा लगे, व्हाइट में ब्रॉड लगते हैं, व्हाइट में ब्रॉड लगते हैं, डार्क कलर पहना तो आप वैसे स्लिम एंड ट्रिम लगते हैं। अच्छा अब इनकी छोटी हाइट है, अब ये पोंचो जो मैंने पहना हुआ है ये उसका छोटा वर्जन है, नहीं ये तो वही है जो एक पर्पल था ना, वो अंदर सिलाना जरा पर्पल वाला, नहीं ये इनको इनको हम इस तरह के भी दे सकते हैं, पता है क्या, इनको वन टू पीस पहनाएंगे हम, इनको कोई भी एक चीज नहीं देंगे, मतलब एक बिल्कुल एक एक पीस में हम इनको नहीं रखेंगे, जैसे भी गाउन नहीं देंगे इनको, हाँ इन्होंने जैसे भी जैसे ये जैसे टू पीस कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा जैसे ये एक शरारा हो गया और ब्लाउज हो गया, चोली हो गई, या तो इस तरीके का वन सिंगल पूरा, ये बहुत लंबा है, सॉलिड ब्राउन कलर का, इसी तरीके की स्ट्रेट पैंट्स बना दें, इसी का दुपट्टा वन सॉलिड कलर पे आप पहनाएंगे तो आप लंबे लगते हैं, मतलब के ये शर्ट हो गई, इसी की कलर का ट्राउजर, इसी के कलर का दुपट्टा। अच्छा तो क्या होता है जब आप वन कलर पहनते हो तो एक सिमेट्री बन जाती है। अच्छा आप देखें जैसे ये ब्लैक है, ठीक है, तो ब्लैक पैंट्स एंड ब्लैक दुपट्टा आपके पूरा, क्या है कि पूरा मेरे आई प्रेफर जैसे कि तो गाउन में ये क्या बहुत छोटी लगेंगी, गाउन में दब जाएंगी, दब जाएंगी, इटसेल्फ इतना लंबा उसको कैरी, क्योंकि जैसे अगर आप और अगर दो तीन कलर पहनाएंगे तो वो बॉडी कटने लगती है। अब ये जैसे छोटा है जो मैंने पहना हुआ है ये उसी का छोटा वर्जन है बिल्कुल, तो आप बताए इन पर ये सूट करेगा पोंचो टाइप स्टाइल के? नहीं नहीं ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा, इसमें दबी भी लगेगी, इनको कोशिश करेंगे वन कलर पहना सिंगल, अगर ये टाइट्स के साथ नीचे पहने तब भी नहीं वो लगेगी जैसे लगेगा। अच्छा फिर अगर सेमी फॉर्मल कपड़े हैं तो इनके ऊपर क्या ज्यादा अच्छा लगेगा, सलवार कमीज, स्ट्रेट ट्राउजर्स, बेल बॉटम, शरारे, स्ट्रेट पैंट्स अच्छी लगेंगे, जब अगर आप सलवार पहनाएंगे तो वो घेर नीचे आएगा तो वो दबी भी लगेंगे। अच्छा पेपलम कट जो आजकल है वाजिद करता कैसे दबी भी लगेगी, दबी भी लगेगी, आप पेपलम कर सकते हैं, छोटी फ्रॉक में पेपलम बहुत अच्छा लगेगा, छोटी योक जो होती है और नीचे हल्का सा फ्लिप फ्रिल होता है, अच्छा ये है जैसे इस तरह का आ रहा है, ये तो घेर वाला है, ये बहुत लंबा है ना लेकिन, हां और इसमें अच्छा इसको शॉर्ट इनकी लेंथ का अगर करते हैं शॉर्ट कर देंगे, लेकिन अगेन एक ही फैमिली का कलर होगा, पतलून इसी रंग की होगी, जो ट्राउजर होगी वो यानी कि जो भी पहनेंगी ये कलर इन्हें कट नहीं होगा, तो इसमें तो ट्राउजर वैसे ही नहीं नजर आएगा इतना, वो कह रहे हैं ना गाउन नहीं अच्छा लगेगा, गाउन तो उनके साथ जाएगा ही नहीं, उसको कमीजें बहुत लंबी पहननी ही नहीं, इनको घुटने तक की कमीज पहननी है और उसी पे आपको स्ट्रेट पैंट पहनना है, अच्छा सलवार भी नहीं, सलवार भी नहीं, या तो आप बॉम्बे कट जो पहन सकते हैं, अब आप आ जाओ बॉम्बे कट पहन सकते हैं। अच्छा अब नहीं हाँ इनका डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है एक दो आप रखे इनके ऊपर कौन से कलर, जैसे व्हाइट कलर है क्या देखना, व्हाइट कलर लेकर आना कोई, हाँ व्हाइट पहन सकते हैं, व्हाइट बेज कौन कौन से कलर ज्यादा वाली है ना उनके लिए इतने सारे ड्रेसेस हैं यहाँ, चलो अब इस पर आ गए। अच्छा अब है हम इन पे, हाँ
अच्छा वैसे इन पे ये कलर भी सूट करेगा, लाओ लाके देखे, देखो वाजिद क्या कहते हो, है ना प्यारा लगेगा ये कलर, फिरोजी बड़ा खतरनाक, नहीं लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा आप देखो व्हाइट ये अच्छा लगेगा, ब्लू बहुत प्यारा हाँ। लगेगा इनके साथ, डार्क ब्लू अच्छा लगेगा, ये डल नहीं आज भी डल कर देगा, आप लिपस्टिक अच्छी लगाएं, नहीं नहीं नेवी ब्लू तो सामने लोगों पे बिल्कुल नहीं सूट करता। ओके अच्छा बिल्कुल बेज कलर, ये गोल्ड कैसा लगेगा इनके स्किन टोन पे, ये वाला मैं मुझे सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि क्या व्हाइट सामने लोगों पर अच्छा लगता है, व्हाइट तो हर किसी पे अच्छा लगता है, आप देखो जैसे लड़कियों का दिल चाहता है ना कि इस तरह के ब्राइट कलर्स पहने शादी के बाद, तो क्या ये कलर इन पर जचेगा, बिल्कुल जचेगा, अच्छा अगर ये कलर कंट्रोल हो सकता है, रोजी जचेगा इनके ऊपर, ये अच्छा लगेगा, अगर ये कलर पहनती है तो लिपस्टिक का कलर होना चाहिए, अच्छा लगेगा, जैसे आपने लगाया हुआ कलर, कुछ ये कलर लगा के हल्का सा गोल्ड का टेंट दे दे, अच्छा हल्का सा गोल्ड का टेंट दे दे तो बहुत अच्छा होगा, ये इनके ऊपर ये कलर बहुत प्यारा लगेगा, ये प्यारा लगेगा, मरून कलर की लिपस्टिक तो आपको कॉम्प्लेक्शन निखर के आ जाएगा, मरून कलर की लिपस्टिक, मरून ब्राइट कलर की, और आंखों का मेकअप कैसा करें, आंखों पे देखिए मेकअप का इतना जरूरी नहीं, काजल लगाएं, थिक मस्कारा करें, आईब्रो करें, लिपस्टिक डार्क लगा लें, आपका पूरा नहीं, काफी सारे कलर्स हैं जो आपकी स्किन टोन पे मैच हो रहे हैं कि आप आराम से पहन सकते हैं, ये तो बिल्कुल मॉडल टाइप कपड़े हैं ना, ये जो वो अवार्ड फंक्शन है ना, क्या सोच रही हो निधा, मैं ये सोच रही हूं ये किस पे अच्छे लगेगा, नहीं देखिए अब जैसे कि ये बहुत लंबी लड़कियों पे अच्छा लगेगा, ये तो बहुत मॉडर्न है, बट सी ये गोल्ड इनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, इनके ऊपर ये गोल्ड बहुत प्यारा लगेगा, इस तरीके से जिनका सांवला रंग है उनको ब्लैक पहनने लगेगा, नहीं देखो ये ब्लैक इतना नहीं जच रहा जितना वो गोल्ड है ना, गोल्ड के साथ ब्लैक अवॉइड कर, गोल्ड गोल्ड के साथ आप कर, गोल्ड के साथ अच्छा लग रहा है, मैट गोल्ड सामने लोगों पर अच्छा लगता है, अच्छा ये वाला भी कलर आ गया ना, जैसे ये भी प्यारा लगेगा इनके ऊपर, मुझे तो ये ब्लू बहुत अच्छा लगा, रस्ट कलर कैसे लग रहा है इनके ऊपर, तो ये कलर नो है, अच्छा फिर ग्रे रॉयल ब्लू कलर, एक ग्रे लगा हुआ है, रॉयल ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी प्यारा लग रहा है, ये ब्राइट कलर है तो ये अच्छे लगते हैं, तो सामने लड़कियां बिल्कुल कॉन्शियस, ये देखो भाई रेड आ गया, रेड कलर अच्छा, उल्टा करके दिखा रेड, ये रेड अच्छा लगेगा, रेड की भी कलर प्रिंटेड रेड, प्लेन रेड सॉलिड कलर, और गेंजा का सूट, ये कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, सामने रंगत पे रॉसल का सूट और गेंजा का दुपट्टा, वो बहुत क्लासी लगेगा, लेकिन अगर हम मिक्स दिखा रहे तो वो उतना नहीं बुझी हो जाता है, नहीं प्रिंटेड ना हो, ठीक है, प्लेन अच्छा है, ठीक है, बट अगेन जो हमने सबसे अगर अच्छा ऑप्शन हमारा ये है बेज वाला, जो सबसे बेज तो मेरा ख्याल से कॉम्बिनेशन हर किसी पे ही जाएगा, तीनों लड़कियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाल के दे दो, तुम ये पकड़ लो की जरा, ये इस पर कलर बहुत जच रहा है, और ये आपका कट था, ये आप आ जाएं, ये पकड़ के, ये आपके लिए कट था, और ये छोटी के लिए था ना, इनके फॉर्मल में एक इसमें, मैं ये देती हूँ ना छोटा, वो लाइनों वाला तुमने निकाला था ना, मरून ये दे सकते हैं इनको, ये मरून वाजिद से पूछ लेते हैं, वाजिद हाँ मरून मरून, ये मरून वाला इनके लिए, और इनके लिए वो अच्छा लगेगा, इस पे लाइन रोजी वाला, ये ना हाँ ये तो साड़ी है, साड़ी नहीं दूसरा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ ये मुझे कलर इतना, ये तो तीनों पे जचेगा, प्यारा है, ठीक है, जो हमने सईदा अमीना के साथ इनके लिए चूज किए हैं कपड़े वो ये बेस्ट लग रहे हैं, कि इसका कट हो जाएगा थोड़ी सी, ये बहुत लंबे तो छोटी कमी इनकी छोटी होगी, लेकिन इनकी पैंट्स और दुपट्टा इसी कलर में होगा, ठीक है, स्ट्रेट ये इनकी टिप है कि जो छोटी हाइट वन कलर पहनना है, जो सांवली रंगत है उनके ऊपर मुझे तो लगता है हर कलर अच्छा लगता है, मेकअप से कंट्रोल हो जाती है सब चीज, लेकिन ये अर्दी टोन्स जो हैं, जो जमीन के करीब है टोन्स, वो बहुत प्यारे मरून लिपस्टिक के साथ बहुत अच्छे थे, और जो जिन जो बल्कि हैं उनके ऊपर लाइंस वाली चीजें अच्छी लगती हैं, और कैजुअल में जो है वो कोट टाइप चीजें जो उनको पूरा कवर कर देती हैं, और जो मोटे लोग हैं उनको बहुत फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है, चलें जी क्या हमारा ब्रेक आ गया है, हम ब्रेक के बाद आपको एक और नई जगह लेके जाएंगे, आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे फास्ट आवाज मेकर रांची, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज हम मौजूद हैं
मैं, वाजिद खान, किरण खान और हमारे पास तीन प्यारी सी दुल्हन है जिनकी अनकरीब शादी होने वाली है और हम इस वक्त हेरिटेज ज्वेलर्स एंड फॉर्मल वेयर में खड़े हैं। यहाँ पे इतनी हसीन ज्वेलरी होती है, आप देखें, आपको हर तरह की डिसेंट और खूबसूरत ज्वेलरी नज़र आएगी और हम यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं ताकि हम इनको गाइड कर सकें कि इनकी कॉम्प्लेक्शन, इनके मोटापे, इनकी हाइट, इनकी गर्दन, इनके साइज के हिसाब से ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है ज्वेलरी खरीदने से पहले। नर्वस हैं दुल्हनें सारी। हाँ, क्यूट बीच में जो बैठी है हंस रही है। हाँ, या जो खाते पीते लोग होते हैं ना, वो खुश रहते, खुश रहते, वो नहीं टेंशन और डिप्रेशन में होते। क्यों सर? नहीं, से पूछा आपने सर से? हाँ, पूछा, खाते भी आगे भी खाते पीते घर के नजर आते हैं माशाल्लाह जी। अच्छा जी, दुल्हन तुम हम इनको यहाँ बैठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ यहाँ बैठे। अच्छा, दुल्हन इनको हम ज्वेलरी देखेंगे या शादी के बाद भी जो ज्वेलरी हमें चाहिए होती है? जब मुख्तलिफ दुल्हनों की ज्वेलरी खरीदने जाते हैं ना माए, तो जाहिर अगर सोने की शॉप पे जाए या चांदी की शॉप पे जाए तो कुछ ऐसा खरीदना चाहिए ना, मैचिंग की जो आजकल जो आने लगी है। नहीं, कुछ ऐसा खरीदना चाहिए जो आपके पास हमेशा रहे और तो पहनी जाए, सूट करना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम शुरू करते हैं पहले इनसे, ठीक है, जिनका जो बल्कि है, जिनका फीस भी ज्यादा है, जिनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं है, थोड़ी है या सही है। अच्छा, इनके ऊपर चोकर कैसा लगेगा? जरा चोकर दिखाएंगे? नहीं ना, बेटा नोट कर दे कि आपको दुपट्टा उतार सकते सर से, क्योंकि ज्वेलरी पहनानी होगी ना तो उसके लिए फिर जरूरी होगा। इनको वैसे पहना कर देखें तो जरा, है ना, जरा लुक देखें, हम क्यों ना कह रहे। शहजादी को भेज दो या तो वो हेल्प करे या हम लोग खुद ही कर लेंगे। हम दोनों ने रिजेक्ट किया, जरा हम लोगों को भी दिखाएं कि कोई वजह होगी। सॉरी, मैं दुपट्टा आपका निकाल रही हूँ। सब अपने दुपट्टे निकालो ना ताकि हम ज्वेलरी पहनाते। आप देखें, ये अक्सर चोकर पहनने का शौक सबको, तो अभी बताओ क्या इनके ऊपर चोकर अच्छा लगेगा? कैमरा मैन हमारे जरा फोकस करें। अच्छा, गर्दन के ऊपर? हाँ, वैसे तो सूट नहीं करेगा, लेकिन अगर शौक है तो पहना जा सकता है। लेकिन अगर शर्ट का गला थोड़ा सा और अच्छा, अब मैं ये उतार रही हूँ बाजू, सॉरी यार तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही? हाँ, मैं ये उतार रही हूँ, मुझे आता नहीं है ना पहनाना और उतारना इतना, मैंने कभी दुल्हन नहीं तैयार की बाजू, तुम्हें हेल्प करूँ ना। हाँ ठीक है, ये चोकर नहीं इन पे सूट करेगा। ठीक है, इन पर क्या सूट करेगा? हम आपको ये बता रहे हैं। और आगे तो ये माल, ये वाली माल है, ये हर किसी को मिलती है अम्मा की तरफ से। सतलड़ा, नौलखा, इन पर है ना, इनको यही कहते हैं ना? हाँ, क्या कहते हैं इन्हें? इनको सतलड़ा कहते हैं। सतलड़ा, सतलड़ा भी है। अच्छा, और इसको भी थोड़ा सा ढीला। हाँ, ये हो गया। और एक जो आपकी एक नॉर्मल सेट होते हैं जो फैले हुए होते हैं। हाँ, नॉर्मल सेट में वहाँ से निकाल के दिखाएं। यहाँ पे बताओ इस तरह के, ये तो गले पे लगे हुए जैसे वाले, ये है, ये नहीं, जैसे ये वाला हो गया। जरा प्लीज खोल के जल्दी, या फिर ये वाला पीछे रखो, डेलिकेट हो, है ना, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये गोल्ड कैसा लग रहा है? अच्छा, ये वाला अगेन, हाँ दिखाएं, वो गोल्ड अच्छा लगेगा। ये वाला निकाले, ये वाला, ये निकाले, ये वाला वी वाला आ रहा है। हाँ, वी है ना, तो वी शेप कह रहे हो, वी शेप में हो, कट बन जाएगा। ये देखिए, ये वाला हम पहना के देख रहे हैं, ये वाला अभी पहना के देख रहे हैं। ये भी एक मरहला होता है दुल्हन का, ट्राई करना। अच्छा, अब जैसे गला इसका छोटा है अभी, लेकिन हम इसे ग्लू बन नहीं बनाएंगे, हम इसे लटकाएंगे ऐसे ही। ठीक है, ये अगर दुल्हन के गले बड़े होते तो ये ऐसा बिल्कुल चिपका के नहीं पहना है, चिपका के नहीं, थोड़ा सा लूज करते हैं। ये वी में है तो ये इनकी गर्दन लगेगी लंबी, लंबी है, है ना, आजे स्पेस मिल जाएगा। हाँ, और वो शेप आ रहा है बिकॉज ऑफ वी। ये देख, अगर खाली यहाँ तक का भी क्लोज बनाए ना आप, सॉरी। और एक जो गोल्ड वाला था ना, ये चेन स्टाइल है, तो ये भी इन पे फिर भी सही लगेगा। कौन सा? ये वाला गोल्ड, ये भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो हो गया, ये अच्छा लगेगा, ये तो हो गया हार की बात। ठीक है, अब आ जाए हम इनके बुंदे की तरफ। प्लीज मुझे चांद वाली झुमके है मेरी दुमे। हाँ, तीन चार ऑप्शंस दे दे हमें। ये देखिए, बालियां चाहिए, एक चांद वाली, झुमके लंबे वाले, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले। हाँ, नीचे वाले उतार लो, आप भी उतार। अच्छा, वादे आओ, ये चेक करते हैं ना, जरा बताओ ये क्या है? ये बाली है, ये झुमके, ये झुमके नहीं, इसको बाली ही कहते हैं। ठीक है, चांद माइक में बताइए। अच्छा, इन पे सहारे वाले कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे चांद वाली है, सहारे वाले झुमके नहीं नहीं अगेन मुझे लग रहा है कि ये बुरा नहीं लगेगा इस पर।
अगर इनके ऊपर हम थोड़ा लंबा पहनाएंगे, देखो ये कैसा लग रहा है वाजिद, दिखाए और लंबा वाला जो वाजिद ने डाला, लंबे वाले नहीं चौड़ा लग रहा है वाजिद, वो उस झुमके छोटे चौड़ा लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है जो मैंने बनाया ना, ये इस पे नजाकत आ रही है। हाँ। हमेशा जो मोटे, क्योंकि मेरा भी मोटा मुंह है, और ये इस तरह के जो झुमके हैं उसमें नाजुक बुंदे जो हैं वो हमेशा आप लंबे, कोई लंबा ऐसा दिखाएं, ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, ये लंबा अच्छा, और ये बहुत लंबा है ना, दिस इज टू लंबा, अब आई डोंट नो मेरे ऊपर तो झुमके और बालियां भी दिखाएं, चौड़ी बालियां जो होती है ना वो भी, लेकिन ये जो है ना जैसे मैं, मेरा मुंह गोल मटोल था जब मैं झुमके पहनती थी, मेरे ऊपर सूट करते थे, आई डोंट नो इनके ऊपर कैसे बाली वाली ये बना के देखें, हां बिल्कुल देखें, सहारों के साथ है ना, जरा लुक देखें कैसी आ रही है, एक मिनट, अच्छा हाँ सहारे पहना सकते हैं लेकिन पतले वाले, एक एक तार वाले, ये बताएं भाई ये कैसे लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, देखिए आप जिनका मोटा मुंह है उन पे झुमके बुरे नहीं लग रहे, और सहारे वाले हैं तो एक लंबा लुक भी आ गया, ठीक है सहारे वाले कंट्रोल हो गया, इसको हम पीछे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी बताओ जिसका मोटा मुंह है वो सहारे किस तरह रखे, आप इधर देखो ऐसे छोटा है ऐसे सहारे लगा सकते हैं, कर सकते हैं, ये झुमके इन पर सूट करे, चांद वाली जो चौड़ी वाली जरा दिखाओ, ये वाली हम ये भी बताएंगे कौन सी चीज नो है, प्लीज आप ही समेटते जाएगा, अच्छा अभी ये चांद वाली और चौड़ी है, वैसे तो अच्छी लग रही है, देखो लंबी है ना, लंबी है और अच्छी लग रही है, फेस कंट्रोल हो रहा है, नहीं मेरे बाल बाल खुलेंगे ना वो सही, बाल दुल्हनों के कहां खुले होते हैं किरण, अच्छा यार दुल्हन तो होते हैं ना, बाद में पहन सकती है ना यार, फिर भी सोचो कि ये चांद वाली जो है ना ये भी चौड़ी और मुंह भी चौड़ा, तो फिर सब तो तो बिल्कुल नहीं सही, तो मेरा नहीं ख्याल ये चांद वाली बड़े मुंह के जा सकते हैं, ये प्यारे लगेंगे, हाँ नहीं प्यारे लगेंगे, अगर वो लंबा वाला हार लंबा पहनाएंगे और फिर ये दे सकते हैं, अगर हम चोकर पहनाएंगे और ये डालेंगे, मुझे लगता है अवॉइड करें कि लंबे वाले ज्यादा पहनाए, क्योंकि मतलब इतने प्रोग्राम्स करते हैं मुझे ये आइडिया हो गया कि मुंह भी गोल बुंदे भी गोल, अच्छा और इनको नथ पहननी चाहिए, हाँ गोल नथ, ये बताओ अगर दुल्हन चेहरा गोल है, नथ में हम देखते हैं इनको लगा के कि इनकी जाहिर नाक भी थोड़ी नाक छिदी भी है, वो है छिदी तो नहीं है, छिदी भी नहीं है, छिदी भी वैसे हम देखें, इनकी नाक थोड़ी मोटी है, अब जो मोटी नाक है चेहरा भी गोल है ना, ये क्लिप वाली है, ये आप कैसे पहनाएंगे, ये वाजिद ये तो अपने हाथ से पहन सकती हो प्लीज, नहीं नहीं उसी में, अबे ये क्लिप वाली है बहन, क्लिप वाली स्टॉप हो जाती है, अब ये भी मैं कर लेती हूं अपने शो के लिए, कुछ भी बोल कोई बात नहीं, तुम्हारी नाक तो उंगली भी दूर, कैसी बनाते हैं ये देखे, मोटी नाक हो या पतली नाक हर लड़की पे लेकिन अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है, खुद को भी अच्छी लग रही है, देख रही है गाल चुभ गए, मैं शो में भी नथ पहनना शुरू कर दूंगा, मेरी गाल चुभ जाए, तो चेहरा जैसा भी हो किसी भी शेप को आप नथ पहनना चाहती है, और वो दुल्हन लगती है, तुम इधर आ जाओ, अच्छा अंगूठियां हम अंगूठियों पे बात करें, मोटी उंगलियां देखो भाई, उंगलियां मोटी है ना, जल्दी से अंगूठियां, लेकिन अंगूठियां भी इसको डेलिकेट टाइप लंबी लंबी पतली वाली अंगूठियां मुझे चाहिए, जी बिल्कुल मैं देता हूं आपको, मोटी मोटी वाली ना जो बैंड, अच्छा मोटी मोटी नहीं अच्छी लगेंगे इसके, बैंड नहीं अच्छी लंबी लंबी, जो मोटी उंगलियों पे कैसी अंगूठियां अच्छी लगती है ना, तो चलो तुम लोग चूज करो हर तरफ, इनको यहाँ बिठा देते हैं, आप इधर आ जाओ, जिनका जिनकी छोटी हाइट है, छोटा फेस है, पेटीट सी है, पेटीट सी है, हाँ बॉडी साइज छोटा है, या उनके ऊपर लंबे हार जो सतलड़े होते हैं वो सूट करेंगे वाजिद, ये बताओ इनके ऊपर चोकर बहुत प्यारा लगे, छोटी हाइट वालों पे चोकर, लेकिन वाजिद चोकर थोड़ा सा और हाइट को दबा नहीं देगा, नहीं नहीं लंबी लंबे हार पहनेगी ना तो छोटे छोटे कद की ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो लंबा हार ज्यादा नीचे से लग रहे हैं, नेक लाइन दिख रही है सारी चीजें, मतलब इसका चेहरा भी मोटा नहीं है, इस तरीके से हम चोकर बना सकते हैं, और अगर हाँ क्या है कि हम लंबा भी इसके साथ चोकर के साथ दे सकते हैं, अच्छा ये वाजिद अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा ना, उसको ज्यादा पहनाने का शौक है, मुझे दुल्हन खूबसूरत लगती है, क्योंकि दुल्हन एक दफा बनती है, तो तरीके से अगर आप पहनाए ये हो गया तरीके से, और अभी वाजिद कह रहा था ब्रेक में दुल्हन है तो मुझे अच्छी लगती है, जितना मर्जी है उनपे पूरी ज्वेलरी पहना लो, ये हो गया, और अगेन और भी पहनाओगे क्या वाजिद, यस यस यस, झूमर ये खोलो, झूमर पहना रहे हैं, मैं झूमर और शहजादी मुझे वो मिल जाएगी, पेन पहले यहाँ ही रखी है मैंने, यही तो यही उतारी थी, पहले काम, अच्छा ये सेट से मैचिंग आपने झूमर लिया, हाँ देखिए अब जैसे ये हो गया, हाँ लाओ जरा पिन देना, ये लो बाजू, और ये रहा ठीक है, तुमने इतनी बड़ा लिया है, हाँ और ये
बहुत बड़ा नहीं हो रहा? नहीं अच्छा लगेगा। जब जिनका माथा छोटा है उनके ऊपर बड़ा टीका अच्छा लगेगा कि छोटा, ये बताओ। जिनका माथा छोटा है अच्छा उनके ऊपर छोटा टीका अच्छा लगेगा। और उनके ऊपर माथा पट्टी अच्छी लगेगी या टीका? छोटे फेस वाले पे हर चीज अच्छी लगेगी। हाँ, वैसे ये है कि आप छोटे फेस वाले माथा पट्टी भी आप कर सकते हैं। अब देखेंगे और जो बड़े फेस वाले हैं उनपे क्या अच्छा लगेगा? झूमर वो चीज है, झूमर से फेस बहुत अच्छा लग रहा होता है। छोटा सा मुंह है तो बहुत लंबे बुंदे भी नहीं हो सकते हैं। कानों में झुमके बहुत के काए कानों में अच्छे ये इसके साथ के क्या? हाँ ये पहना सकते हैं, ये पहना सकते हैं। ये जो गुलूमंद है उसी के साथ के है, जो साथ लड़ा है उसके साथ गुलूमंद लिखा ठीक है। अच्छा हमने इनको सब चीजें पहनाई है ना, झूमर टीका चोकर सतलड़ा हो गया। ये देखिए ये छोटा झुमका इसके साथ अच्छा लगेगा क्योंकि बच्ची छोटी है कद की तो बहुत लंबे बुंदे नहीं पहन सकती, तो इतना छोटा झुमका होना चाहिए अगर गुलूबंद पहने। सही है, टच नहीं होना चाहिए, टच हो गया तो बस गड़बड़। ठीक है तुम हटो, अब तो मांगी। जिनका रंग थोड़ा सांवला है वो गोल्ड के कौन से कलर को बहुत प्यारा लग रहा है छोटी सी। जिनका रंग हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी आ जाओ। जिनका रंग सांवला है वो अपना बहुत पीला है, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि वो पहने या ना। नहीं पहले वो बताओ लोगों को कि नहीं पहने हो, बेहतर की बात नहीं मैं कर रही। मैं सिर्फ अभी ये बताना चाह रही हूँ कि जिसे जिनका रंग सांवला है वो क्या ना करे, बताओ। मैं मुझे लगता है कि ये जो इनके मरून है क्या और नग वाले जो होते हैं ना भरे हुए वो नहीं ज्यादा जैसे वो है, ये ना पहने वो ना पहने वो ना पहने जैसे उस तरह के वो गार्नेट्स और वो है ना। ये सब बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा नग वाले हैं जो सावली रंग के लोग हैं वो ना पहने, ना पहने ये बहुत ज्यादा कलर ना करें, बहुत रुक जाए हम उतार देंगे उसको। हम उतार देंगे, आप छोड़ दो ऊपर देखो थोड़ा सा। अच्छा ये वैसे अच्छा लग रहा है देखो, ये नहीं रंग और ज्यादा दबा वाला है पीला। अगर हम ये डालते हैं तो इनके कॉम्प्लेक्शन के साथ बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा अब हम सांवले रंगत के लिए अगर हम पहनाते हैं गुलूबंद, ये देखिए अब जैसे ये है तो चलो ये जो है ये हाँ ये थोड़ा सा आपने क्या किया है, थोड़ा सा थोड़ा सा जो डल आजकल चला रहा है डल गोल्ड, डल गोल्ड टाइप है ये सिल्वर और गोल्डन मिक्स ये हो गया, ये चीजें अच्छी लगेंगी सांवले रंग। देखिए बंदे भी थी इसी स्टाइल से। अच्छा कोई गोल्ड का प्लेन है आपके पास जैसे प्लेन गोल्ड ये भी बहुत प्यारा लगेगा। हाँ ये माला इनके ऊपर ये भी बहुत प्यारा लगेगा, ये दिखाओ गोल्डन है देखें ये भी डलता है तो इनके ऊपर ये भी बहुत प्यारा लगेगा। इनके ऊपर डल चीज अच्छी लगी क्योंकि हमने इनको जूता भी जब पहनाया था वो डल गोल्ड पहनाया था। ओके ओके वो कॉम्प्लीमेंट स्टोन वाला नहीं जाएगा जो स्टोन अब अगर हमने कलरफुल नग वाले इनका दिल चाह रहा है कि इनकी मैचिंग का वो हार तो वो इनकी स्किन से ना कंबाइन करें, हम इनके सिर्फ लंबा वाला पहना दें ऐसा। हाँ देखो ये देखिए दुल्हने होती है, दुल्हने होती है आप पहना तो कुछ भी सकते हैं, दुल्हनों का दिन होता है वो अच्छी लगेगी लेकिन अगर तरीके से चीजें करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखो ये कलर बहुत अच्छा लगता है डल गोल्ड, डल गोल्ड है ना ये भी अच्छा है। उसके ऊपर जो सिल्वर की वो लाल वो लेयर आ गई तो उसकी वजह से डल कर दिया है। माइक यहाँ रखें प्लीज, टोन प्लेटिंग हुई है इसके ऊपर। एक्चुअली जो हमने कलरफुल की बात करे ना कलरफुल नग बड़े बड़े नग वो नहीं इंप्रेस करेगा, वो इस तरह की जो हम ब्रेक पे जाने वाले जल्दी से बता दो वाजिद। एक और ये जैसे ये वाला अंगूठियां, टाइम नहीं है वाजिद जल्दी से अंगूठियां अंगूठियां। और अगर आपको डायमंड टी नग पहनाना है तो वी कैन यूज दिस दिस काइंड ऑफ सॉरी ये सब गिर रही है प्लीज कोई उठाए, मैं उठा लेता हूं। डायमंड टीज का एक तो सबके पास होना चाहिए डेलिकेट सा। ये देखिए हम ये पहना सकते हैं क्या, अगर जैसे अगर हमें डायमंड टीज का कुछ देना है तो सी अगेन हम ये दे सकते हैं। अजय तुम्हारे पास टाइम नहीं है जल्दी से अंगूठों का बता दो, ब्रेक पे जाना है हमने। ठीक अच्छा, है अब जो है जिसके सांवले हाथ हैं वो कैसी अंगूठियां पहने, जिसके मोटे हाथ हैं वो कैसी अंगूठियां पहने। अच्छा जैसे मोटे हाथ है ना तो उनको ऊपर जैसे ये बहुत ज्यादा है तो हमें लंबी जो होती है ना लंबी बीच लंबी में वाली है, वो लंबी वाली है थोड़ी सी या तो नाइस है आपकी उंगली थोड़ी नाजुक है ये बहुत ज्यादा हो जाएगी आएगी नहीं छोटी बहुत गोल लगेगा ये है प्यारी ये इस तरह की। देखिए मैं दिखाना ये चाहती हूँ पहना के जिनकी मोटी और छोटी उंगलियां हैं वो ऐसी अंगूठियां मोटी मोटी ना पहने उनके लिए नो हो गए। ये जैसे ये लंबी जो मोटी उंगलियां ना उनके ऊपर इस तरीके की चीज ये आएगी तो वी शेप की रिंग के लगा माशाल्लाह इतनी मोटी है कुछ भी नहीं आ रही
ऑर्डर होती है ना, जैसे ये होती है ये इस टाइप की पतली होती है और पतली आती है ये लंबी उंगली मोटी उंगलियों के लिए इस टाइप की पतली नहीं, तो नहीं, नहीं क्या ये छोटी भी है ना लंबी थोड़ी नहीं एक्चुअली पता है क्या जो बैंड मोटे आ रहे हैं ना वो नहीं पतली रिंग के साथ बेशक स्टोन हो पर एक ये देखिए तो वो चल जाएगा ये नहीं इसकी छोटी उंगली पर नहीं अच्छी लग रही है नहीं ये नहीं ये चीज छोटी हो ये चीज छोटी हो लेकिन नोकीली 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 हो वो अच्छी लगेगी मोटी उतारो बहन खुद बस बारीक बारीक रिंग स्टाइल हो तो अच्छा लगेगा जिनके सांवले हाथ है उसका बताओ जिनके सांवले हाथ है तो वो आप डार्क कलर पहना है जैसे ये कलर है कौन सा डार्क कलर है सिल्वर की ऐसी गोल्डन ऐसी मोटी वाली अंगूठियां एक अगर पहने नहीं ना इसकी भी बहुत ज्यादा होती है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ये कौन पहन सकता है इतनी मोटी मोटी उंगली अंगूठियां मेरे तो आ रही है दोनों उंगलियों में आ जाएगी एक साथ ये किसके हाथ पे अच्छी लगेगी मोटी हाथों पे अच्छी लगेगी बहुत और इसको मिडिल इसमें पहनते हैं क्या ये बहुत ही करोड़पति आदमी की बीवी लग रही है तुम कॉकटेल रिंग्स ये देखो ये कैसा लग रहा है इनके सामने हाथों पर ये अच्छा नहीं आ रही ये बहुत अच्छा लगेगा ये देखिए पर्ल है हालांकि व्हाइट है ये सिल्वर है लेकिन इनके हाथ पे प्यारा लग रहा है नाजुक ठीक है नाजुक नाजुक लग रहा है अच्छा मैं वही कह रही हूँ की और ये जो वो छोटी बच्ची छोटी छोटी बच्ची कह रही हूँ दुल्हन है छोटे हाथ है ना तुम्हारे उधर दिखाओ इसके छोटे छोटे हाथ है छोटे छोटे हाथों पे नाजुक नाजुक अंगूठियों तुम्हारे तो सभी आ जाएगी बिल्कुल गुड़िया जैसे हाथ है तुम्हारे तो इनके हाथ पर ऐसी बारीक बारीक छोटी बारीक बारीक वाली मोटी मोटी नहीं अच्छी लगेगी ठीक है जी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको कुछ और करते हुए नजर आएंगे कहीं और शॉपिंग करते नजर आएंगे मगर जो सारे पते की बातें हैं वो ज्वेलरी खरीदने के हवाले से वो हमने आपको बता दिए नोट करें और जाके सही जगह से सही ज्वेलरी खरीदें बल्कि हेरिटेज पे आके ज्वेलरी खरीद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बातें खत्म कर दो अब हम वापस आ गए हैं लाइव शो हो रहा है ये और यहाँ हम पाक टावर्स कराची में मौजूद हैं वाजिद खान और किरण खान हमारे साथ हैं और तीन मासूम दुल्हनें जिनको दुनिया का कुछ पता नहीं उनका हाथ पकड़ के हम उनकी शॉपिंग कराने उनको यहाँ लेकर आए एक्चुअली बहुत से लोगों को आइडियाज मिल रहे होंगे कि यार कोई छोटे कद का है किसी का रंग सांवला है कोई बल्की है तो हमें क्या करना चाहिए तो बात करना चाह रहा हूँ उनको कैसा बेस्ट एक्चुअली टाइम नहीं प्रोग्राम के बाद मैं आपको एक घंटा दूंगी आप काउंसलिंग उनकी कीजिएगा अभी असल में हम जा नहीं ये दुल्हन सबसे बेहतरीन टिप है कि आप आपकी फैस वैल्यू बढ़ेगी अच्छा आप कहाँ पर हैं हम लोग जाफर जी पर हैं यहाँ के जबरदस्त खूबसूरत बैग जो कि देता है पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि पाकिस्तान का लेदर जो है ना वो ऐसे बैग्स कहीं नहीं मिलते और अगर आप जाएं बाहर शॉपिंग करने लेदर बैग तो आपकी आधी तनख्वाह खत्म कर देते हैं बहुत महंगे होते हैं आपको आराम से मिल जाएगा तो ये मुझे लगता है कि अगर आप बाहर भी जा रहे हैं शादी होके तो आप ये बैग लेके जाएं जरा शो मारिएगा फिर देखिए ये किसी ब्रांड से कम ये टैग जो है ये बहुत बड़ी ब्रांड है पहचाना जाता है जाफर जी का है अच्छा ये बताइए कि अब फॉर एग्जांपल आप ये छोटी सी है मेरी प्यारी सी दुल्हन छोटे से कद अब अगर फर्ज करें मैं इसको दे दूं ये बैग इसकी सास ने इसके लिए ये बैग खरीद लिया है ये तो इसमें तो डूब जाएगी मैं चाहूंगा कि इनको ये दिया जाए हाँ स्लीक सा छोटा सा इसमें तो मोबाइल ही आएगा नहीं आएगा पहले ये गलत है ये इसके लिए बना नहीं है ये इनको ये दिया जाएगा सी ये तुम अपना आधा सरापा छुपा सकती हो अच्छा और ये दे सकते हैं इस तरीके ये वाला दे सकते हैं छोटी वाली को हाँ ये दे सकते ये भी दे सकते हैं कैमरे मैन इसमें लाओ हाँ ये दोनों आ सकता है अच्छा जी ये दे सकते हैं ये ऊपर से टांग सकते हैं पूरा शोल्डर के ऊपर ये सीधा पहने ना पूरा ऊपर ऊपर तक ले जाए अच्छा ये छोटा वाला ये वाला ये चेन वाला दे सकते हैं वो चेन लंबी तो नहीं हो जाएगी सही है इसके लिए नहीं हाँ, अच्छा लगेगा खूबसूरत लग रहा है और बताओ इस हाइट की बच्ची के लिए लड़की के लिए कौन कौन से बैग्स होते हैं अच्छा ये दे सकते हैं हाथ में पकड़ने के लिए ये अच्छा कैजुअली ये वाली यानी कि छोटे या ऐसे भी ले सकते हैं ऐसे भी ले सकते हैं ऐसे ये भी अच्छा है ठीक है ये तो हो गए इसके लिए अच्छा मुझे बताएं ये और ये क्या ये और ये इसके लिए ले सकते हैं इनके लिए कौन से बैग्स बिल्कुल नो नो होंगे बड़े बैग वो बड़े ये वाला भी चलेगा ये नहीं जाएगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा इसके साइज के हिसाब से तो ये इसके साथ नहीं जाएगा ठीक है अब वो बताओ जो इसके लिए नो नो है ना वो उतार उतार बिग बैग नो है रेड वाला भाई आप इनके कानून के हाथ है ये देखो ये जैसे कितना बड़ा ये नो है इनके लिए ये अच्छा एक दफा ये जरा डाल के दिखाओ ऐसे देखे तो क्या कैसा लगता है
अब ये देख लीजिए, ये अक्सर ये ट्रैवलिंग जब इनके बच्चे हो जाते हैं ना, जो जिनकी हाइट छोटी थी वो क्या करती है, इतने बड़े बैग ले लेती है कि बच्चों का पैंपर भी इसमें आ जाएगा, बॉटल भी इसमें आ जाएगी, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, तो ये वो ना करे क्योंकि बच्चों के भी वो छोटे बैग ले, एक ही पैंपर रख लो भाई, जरूरी है पूरा, ये बैग भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, अच्छा ये भी नहीं जाएगा, बड़े है ना ये, बड़े हैं इवन के ये साइज देखो, ये दरमियाना है, ये भी ये भी नहीं जाएगा, और ये वाला नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं जाएगा, इनके साथ डिजाइन कितने प्यारे प्यारे हैं, लेकिन इनके ऊपर नहीं जाएगा, इनके साथ ये जरूर जाएगा, देखिए इनके साथ ये जाएगा, ये वैसे ही जैसे वो येलो, ये भी नहीं, इनके लिए नो है, ये जाएगा इनके साथ, अभी छोटे में सामान कैसे आएगा, चलो आप तुम आओ, ये पक्का आओ, टांग के खड़े, अब हमारे सामान भी तो इतना होता है ना, हाँ ठीक है, तो लटकने वाले बैग इसके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे, या ऐसे हाथ में पकड़ने वाले बैग ज्यादा अच्छे रहेंगे, दोनों दोनों कर सकती है, अच्छा अब हम आगे, नहीं ये नहीं, तुम तो कहाँ से मोटी हो, तुम आओ, ये आगे, अब ये आ गई, इनके लिए कौन से बैग नो है और कौन से बैग यस है, पहले नो वाले शुरू हो जाइए, अच्छा क्या है कि इनके लिए जैसे ये अगर ये लेती हैं, तो अगर ये लेंगे हाथ में तो इनसे इनकी बॉडी कॉन्टोर होगी सी इस तरह, ये अगर पकड़ेंगी तो इनसे इनकी बॉडी कॉन्टोर होगी, हाथ में पकड़ने वाले, हाथ में पकड़ने वाले, अच्छा, पतले इस तरह के? ये छोटे हो जाएंगे बहुत, ये हाँ नहीं दिखाओ, जा सकते हैं, जा सकते हैं, ये पेट टोन छुप जाएगी, और इससे मैं तो खुद बैग से अपनी पेट छुपा लेती हूं, मुझे लगता है इनके लिए जैसे कि अच्छा वाला बैग है ना ये, बहुत प्यारा लग, ये जा सकता है, हाँ ये दिखाए जरा, ये जा सकता है इनके साथ, लंबा है ये, वो नहीं जाएगा, नहीं वो नहीं, ये जाएगा, ये जाएगा, तो क्या है कि आप जब आप अगेन वही वाली बात है, जितना अच्छा कलर्स भी तो बताओ, डार्क कलर है तो जितना आपका डार्क कलर जिस एरिया पे आएगा तो वो चीज आपकी कॉन्टोर हो जाती है, छोटी लगने लगती है, तो क्या है कि अगर आप लंबा बैग लेते हो, जैसे कोई आपके पास लंबा बैग है, देखिए कैसा है वाजिद, मुझे दिख रहा है, अगर इसको लटकने वाला लेना है तो ये क्या करे, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, नहीं नहीं ये नो हो गया, ये नहीं जाएगा, मैं आपको ला के दिखाता हूँ, अच्छा वाजिद ये तो बताओ, हाँ जी ये देखा वाजिद ये वाला जाएगा, मैं लेकर आ रही हूँ एक दो यहाँ से, ये वाला जाएगा, हाँ ये जाएगा, ये जाएगा, ब्यूटीफुल कलर, मुझे बताओ ये जाएगा नहीं जाएगा, ये अब जैसे ये, अब देखिए तो ये शेप है, ये जाएगा 110%, नहीं वो भी जा रहा है, ये देखो कितना अच्छा, अब वो जा रहा है किरण, आप दुपट्टा हटाओ, किरण तो जा रहा है, किरण बहुत ढूंढ रहा है, अच्छा है पता है, ये शोल्डर वाले बैग है, इसको शोल्डर पे लटकाते हैं, हाथ से नहीं लेते, और ये छोड़ो छोड़ो, इसको आप ऐसे पकड़ सकती हैं, इसको आप यूं पकड़ो, ऐसे पकड़ो, इसको आप यूं पकड़ सकती हैं, इसको देखो पकड़ो पकड़ो, क्योंकि इसकी चेन छोटी है, इसकी चेन बड़ी है, ये हाथ में ऐसे पकड़ सकती हैं, निदा तो ऐसे लगाओ, ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी सूट कर रहा है, और ये वाला भी अब जैसे ये कलर है, कलर का बड़ा फर्क होता है, ये हाथ में भी आप पकड़ सकते हैं और डाल भी सकते हैं, ये जो नोकीला टाइप है, इससे शेप शेप आ जाती है, ये इसको पकड़ने का तरीका क्या होता है, इसको मुझे समझ ही नहीं आता, लटकाती हूं तो नीचे गिर जाता है, नहीं एक्चुअली दो तीन तरीके, एक तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अच्छा यूं ले सकती हैं, फिर आप इसको यूं भी ले सकते हैं, अच्छा फिर आप इसको यूं भी ले सकते हैं, और फिर आप इसको यूं भी लेके बाहर जा और वापस अंदर आ जाए, अच्छा जी अब हम आ गए, आप इनको यही रखे, हम वो लड़कियां ट्राई कर लेंगे, वो लड़कियां जिनका रंग थोड़ा सा सांवला है, क्या बैग भी मैटर करते हैं, अच्छा इन पे ये कलर जरा लगा, आई प्रेफर जो सांवली लड़कियां वो ब्राइट कलर के बैग ले लें, अच्छा बहुत खूबसूरत लगते हैं ये कलर, इनके ऊपर बहुत प्यारा लगता है, या फिर थोड़ा सा बड़े बैग, मैं बताती हूँ बड़े बैग, हाँ बड़े बैग अच्छे लगते हैं, क्योंकि ब्राइट कलर इसलिए अच्छे लगते हैं, बेज कॉन्ट्रास्ट होता है, अच्छा हाँ बहुत प्यारे लगते हैं ब्राइट कलर, इनके ऊपर रेड बैग अच्छा, या फिर थोड़ा सा सोबर टच देना है, सोबर एज नहीं है ना सोबर वाली, देखो ना देखो अक्सर पूरी दुनिया में वो जो वो होते हैं ना जो, देखो ये भी अच्छा, या देखो ये कलर भी अच्छा, ब्लैक होते हैं वो ब्राइट कलर पहनते हैं, नहीं देखिए ना सोबर नहीं अच्छा लग रहा, उसकी पर्सनैलिटी डल हो गई, क्यों अगर ब्राइट कपड़े पहने हैं तो सोबर बैग लेगी, यू राइट, अभी हम बोलते हैं शादी के बाद की चीजें, उसी के बाद की बात है ना, ये बैग भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, अच्छा तुम ले सकते हो बेच कलर का, उसको पसंद है किरण, एंड अगेन और शेप ना ले कोई, कौन से ना ले किरण, ये तुम कैमरे के आगे रखी जा रही है बेटा, अच्छा भाई ये भी कह रहे हैं शादी के बाद के हिसाब से ये बैग यहाँ आने पड़ेगा, कैमरा नहीं है, ये कह रहे हैं ये लेके जाएं, आप जाएं लेके जाएं, लेके जाएं शादी के बाद, तो ऑफिस का बैग लग रहा है, ये नहीं सूट करेगा इनको, ये नहीं ये ये जाएगा, ये वाला कलर नहीं, ये जाएगा बिल्कुल नहीं, ये प्यारा ब्लैक जाएगा, हाँ हाँ ब्लैक जाएगा, ब्लैक जाएगा,
अच्छा कौन से नो है ये बता दो एक तो ये डेफिनेटली ये नो है ठीक है अच्छा एक और कलर ये जैसे ये रेड है ये नो है ओए हाय सॉरी गिर रहे हैं जी ये है यस या नो ये भी अच्छा है ये भी जा सकता है ये जा सकता है प्यारा है ये भी अच्छा लगेगा ये बस मैडम हाइट भी अच्छी है और बहुत मोटी ये नो है ये ये बताओ लटका के देखो ये वाला कलर नो है नो है नो है ये अच्छा लग रहा है इनका कॉम्प्लेक्शन और डाल बिल्कुल नो है और अच्छा आप ये देखो वाजिद अच्छा पूरा बैग बहुत स्टाइलिश है ये बताओ व्हाइट ये अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा देखो अगर डार्क कलर के कपड़े पहने हैं तरीका बताओ ये अच्छा लगेगा उसी तरह जैसे भाई तीन स्टाइल में ऐसे हाँ फिर ऐसे हाँ फिर ऐसे और फिर दिखाए और फिर ऐसे और ऐसे और फिर बाहर ये रिपीट हो गया अच्छा ये बहुत प्यारा लगेगा हाँ ये कलर भी प्यारा है किरण तुम सलोन में तुम डील्स पूछने जा रही हो ठीक है मैं होकर आती हूँ पूछ लो ठीक है मुझे बता पता है क्या हर चीज आप लोग को जब मुंह दिखाई मिलेगी तो आप लोग को भी मेरा ख्याल है कि किचन ले जाए अपने गुलामों के लिए अच्छा क्यों देना चाहिए कोई दुल्हन को कोई दुल्हा को गिफ्ट देना चाहिए देना चाहिए लड़के अच्छा माइक लेके जाना चाहते हैं ये जरा सलोन पे पूछ रही है महा सलोन पे कि कोई ब्राइडल डील्स आई नहीं अच्छी तो हम जरा दुल्हनों को बता दें ताकि वो यहाँ आ सके फेशियल वगैरह तो मेकअप मैंने गिफ्ट कर दिया इन लोगों को तुमने तो गिफ्ट कर दिया सर्विसेज वगैरह के लिए या फिर शादी के बाद शादी के बाद बाकी आप चार दिन बाद आ रही हैं आप सात दिन बाद और आप दस दिन बाद नौ दिन बाद कैसा लग रहा है मजा आ रहा है आपको नर्वस धक-धक कर रहा है दिल खानदान में हो रही है शादी यार बड़ा मजा आएगा शादी के बाद ना ये सलामियाँ मिलती है तो बड़ा अच्छा लगेगा पर्स में भर के सलामियाँ और पैसे अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने नहीं लिए या अम्मी ने नहीं लिए तुम्हें मिल गए तो बड़ा अच्छा लगेगा गड्डी भरी अंदर एक जेब फाड़ देना ना अंदर से उसमें डाल देना कि ओ आखिर में निकालो पैसे क्योंकि बहुत सारे लोग ना एनवेलप दुल्हनों के हाथ में पकड़ाते हैं आके तो फिर वो जरा छुपा लो ना और दुल्हन के हाथ में देने चाहिए मेरे ख्याल से क्योंकि शादी भी होनी है नहीं ना दुल्हनों को होश नहीं तो वो गिरा देंगी दुल्हनों की अम्मी के हाथ में सही है अच्छा जी मैं इस वक्त अभी हमने आपको नीचे बॉडी शॉप के हवाले से भी बताई क्रीम्स वगैरह यहाँ पर ये एक नया आप लोगों का सैलून खुला है माहा पार्क टावर्स पे इनके पास बहुत अच्छी रेंज है इंडोनेशियन ब्रांड है और माथा टेलर माई कंपनी है अच्छा अच्छा पास आ जाएं आप जरा ना और ये ऐसे माइक में हम बोलेंगे तो यहाँ पर आप कुछ ब्राइडल डील्स वगैरह भी देती हैं यस मैम हमारी 30,000 की हमारी ब्राइडल डील्स है अच्छा जिसमें क्या क्या शामिल होता है हमारी फेशियल्स होते हैं अच्छा स्किन टाइप के ऊपर होते हैं हमारे फेशियल्स ब्राइडल्स के जो फेस होता है उसको देखते हुए हम उसका फेशियल दे दें अच्छा और फिर फेशियल देने के बाद जितने हमें ड्यूरेशन टाइम मिलता है उस टाइम के ऊपर हम उनकी स्किन को ग्लोइंग तक रखते हैं उसके बाद हम थ्रेडिंग पेडिक्योर मेडिक्योर और वो सब कुछ शामिल है 30,000 में और मुझे बताइएगा जैसे कि कोई दुल्हन होती है उसका रंग सांवला होता है और उनको गोरा होने की कोई ऐसे फेशियल स्किन व्हाइटनिंग हो जी हाँ वो हमारी टॉप क्लास की रेंज है डर्मा ब्राइट की अच्छा अच्छा तो डर्मा ब्राइट की जो रेंज है वो हमारी टॉप क्लास की रेंज है हम ब्राइडल फेशियल्स वगैरह उसी के ही देते हैं अच्छा सही है तो उससे काफी फ्रेशनेस आ जाती है माशाल्लाह से उससे काफी फ्रेशनेस आती है क्योंकि दुल्हनों को तो पता है ना आपको खूब उपटन मल रही होती है बिल्कुल बिल्कुल वो जो है जी जनाब तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज हमारी किरण ने और वाजिद ने थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की ना सिर्फ इन तीनों की हेल्प हुई है बल्कि आज पाकिस्तान की वो लड़कियां जिनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो जो थोड़े से पैसे हैं उसको किस तरह बचा के वो चीज़ें लें जो ज़ाया नहीं हों शादी के बाद या कौन से गिफ्ट आपने दुल्हन को देने हैं ताकि वो उसके काम में आ सकें और वो आपको दुआएं दे ये सब हमने आज आपको बताया उम्मीद है आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच सारे जितने भी शॉपकीपर्स हैं जो सुबह सुबह जिन्होंने हमारे लिए सारी ब्रांड्स जिन्होंने हमारे लिए शॉप्स खोली तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम देखते रहिए अल्लाह हाफिज़ लाइक करते रहिए